हिंदु थर्टीन मास्टर क्लास में आप सबको स्वागत करता हूँ। थैंक यू। आप मुझे काफ़ी लोग पहले आते रहे मास्टर क्लासेज में, ये तीनवीं मास्टर क्लास है हमारी। इससे पहले जितनी मास्टर क्लासेज हुई हैं मास्टर डायरेक्टर्स की, उस सिनेमा के मास्टर डायरेक्टर्स रहे। इस बार वी डिसाइडेड दैट वी विल सेलिब्रेट द जर्नी ऑफ टेलीविजन, और टीवी के आठ बड़े मास्टर डायरेक्टर्स आज हमारे साथ हैं। मैं सबसे पहले हमारी आज की मास्टर क्लास के मॉडरेटर, जो खुद मास्टर डायरेक्टर हैं इफ्टडा के सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर, जिन्होंने हमें फिल्मी चक्कर, तेरे मेरे सपने जैसे कल शोज दिए, मिस्टर अशोक पंडित। अब मैं आज के आठ जो मास्टर डायरेक्टर्स हैं हमारे, उन्हें बुलाऊंगा। सबसे पहले स्वप्ना वाघमारे जोशी, प्लीज। राजन शाही, अरविंद पब्बल, मिस्टर रवि राय, मिस्टर पंकज प्राशे, रमन कुमार जी, इन मास्टर डायरेक्टर्स के बीच में एक एक्टर हैं, एक्टर पार एक्सीलेंस, जिन्होंने पूरी टेलीविजन की जर्नी का जो पार्ट रहे हैं, एंड वी थॉट इट बी इंटरेस्टिंग, हमने उनसे रिक्वेस्ट किया। मिस्टर सतीश शाह, और हमारे आज के आखिरी मास्टर डायरेक्टर इस मास्टर क्लास के, ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन, आई थिंक ही नीड्स स्टैंडिंग ओवेशन, मिस्टर कुंदन शाह। आप लोगों को मालूम है एक रवायत है इंटरा की, हम अपने मास्टर डायरेक्टर्स को छोटा सा मोमेंटो देते हैं। मैं कुंदन जी से रिक्वेस्ट करूंगा, कुंदन जी प्लीज। स्वप्ना जी, स्वप्ना जी ट्रॉफी ले प्लीज। राजीव जी, साथ में बनाया था, और जो ये यहाँ बैठे हैं सतीश शाह, वो अभी हस्बैंड वाइफ का फॉर्मेट था, अपने शफी नामदार थे, स्वरूप संपत्ति,
लेकिन हमें पता था कि अगर ये सीरियल कॉमेडी बना रहे हो उसमें सतीश शाह हस्बैंड में फिट नहीं होते हैं तो इसको कैसे फिट किया जाए, क्योंकि हमारा सीरियल अधूरा रहेगा उनके बिना। तो क्या बहुत से ग्रामर होते हैं सीरियल बनाने के, लेकिन एक ये अजीब ग्रामर था कि पहले एक्टर डिसाइड हो गया था, अभी सतीश शाह को फिट कैसे किया जाए। तो मंजुल का आइडिया था कि ऐसा करते हैं कि देखो तुम्हारा पहला एपिसोड में एक कैमियो है वो सतीश शाह करेगा, फिर हम लोग देखेंगे आगे एक और कैमियो निकलेगा वो करेगा। तो वैसे चालू हुआ। और आगे मैं एक फ्लैश फॉरवर्ड की बात कर रहा हूँ, मैं कुछ एपिसोड्स हो गए थे 12-15, तो मैं दूरदर्शन में बैठा हुआ था और वहाँ मनोज श्याम जोशी बैठे हुए थे, जो पहला सीरियल जो सोप ओपेरा हम लोग उन्होंने लिखा था, तो उन्होंने हमको ट्रिब्यूट दिया कि भाई तुम्हारे सीरियल में एक ऐसी चीज़ है कि हमको मजबूर कर देता है कि अगला एपिसोड हम देखें। मैंने बोला क्या चीज़ है वो? तो बोला अभी सतीश शाह आगे क्या बनकर आने वाला है, ये उनके लिए वो एक कैच था। तो मंजुल सिन्हा का उन्होंने बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने साथ में सब कुछ किया। मैं कुछ ऐसे रिक्वेस्ट करूंगा मंजुल जी को, प्लीज। सर कुंदन जी की, तो कुंदन जी प्लीज। पोस्टर्स ले आए प्लीज। मेहुल जी, मेहुल कुमार जी हमारे बीच में, मेहुल जी मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप एक मिनट से आ जाए प्लीज। अशोक जी प्लीज। स्पेशली डिजाइन फॉर ऑल द मास्टर डायरेक्टर्स। मैं मेहुल जी से रिक्वेस्ट करूंगा और सब हमारे आज के मास्टर डायरेक्टर्स को एक एक प्रेजेंट करते हैं प्लीज। All my bosses around me, and you can imagine how nervous I am today. There are directors who jinki kafi daante maine khayi hain, aur Satish hai, Manjul ji hain, Kundan ji hain, Raman saab, everyone. मैं इतना कहूँगा कि यह मुझे लगता है कि टेलीविज़न की हिस्ट्री में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री में इस किस्म का जो एक मास्टर क्लास आज हो रहा है। मास्टर क्लास क्या है? चौपाल है, एक ड्राइंग रूम में सारे दोस्त बैठे हुए हैं, आप भी हमारी इंडस्ट्री के लोग हैं, फील्ड के लोग हैं। एक जर्नी जो है टेलीविज़न की, एक बहुत लंबी जर्नी है। इनिशियल जैसे टेलीविज़न जो है वो शुरू हुआ, किस तरीके से लोग टेलीविज़न में आए, किस तरीके से लोगों ने शोज़ बनाए, डायरेक्ट किए, प्रोड्यूस किए, परफॉर्म किया, ये जो टेलीविज़न की दुनिया है, टेलीविज़न की जो जर्नी है, ये हम सारे लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं ये आज आपस में गप्पे मारेंगे, बातें करेंगे, और इनकी बातों से या इनके गप्पों से बहुत सारी चीज़ें जो हमारे यहाँ स्टूडेंट्स भी आज बैठे हुए हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं इंट्रोडक्शन करना शुरू करता हूँ। वैसे लोग सब जानते ही हैं, लेकिन इनके कुछ शोज हैं जिनके बारे में लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मंजुल सिन्हा साहब हैं, ये मेरे गुरु हैं। इन्होंने, जैसे कुंदन जी ने कहा, टेलीविज़न की शुरुआत जो कॉमेडी स्पॉन्सरशिप कैटेगरी में जो हुई, और जैसे ही इनका शो ये जो जिंदगी टेलीविज़न पे आया, शुक्रवार को रात को 9 बजे आता था, और उस वक्त कर्फ्यू लग जाता था इस शहर में कि लोग उस शो को देखते थे। एक हिस्टोरिकल बिगनिंग ऑफ इंडियन टेलीविज़न के जो दो मास्टर्स हैं,
वो मंजुल जी और कुंदन जी हमारे बीच में है। इससे बड़ी बात और इससे बड़ी किसी की बात नहीं हो सकती। मंजुल जी के और भी सीरियल्स रहे हैं जो टेलीविजन पे काफ़ी हिट रहे हैं, सक्सेसफुल रहे हैं। इन्होंने ब्यूरोक्रेसी पे एक शो बनाया था पीए साहब, और बच्चों के साथ एक शो किया था हम पंछी डाल के। उसके बाद है रमन कुमार जी। रमन कुमार जी इनका एक शो जिसने टेलीविजन के ट्रेंड को तोड़ा और एक नया ट्रेंड, जो मॉडर्नाइजेशन, जो मॉडर्न ट्रेंड शुरू हुआ, जिस शो का नाम था तारा, वुमेन बेस्ड, वुमेन ओरिएंटेड शो था। और उस शो ने वाकई हलचल मचा दी थी टेलीविजन की इंडस्ट्री में, टेलीविजन की दुनिया में। रमन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो जिंदगी के भी कुछ एपिसोड्स रमन जी ने डायरेक्ट किए, उनके बाद इनके शोज थे रात, उम्मीद, बेटी, एहसान, हंसो हंसो, देव जी, अपनी अपनी बंसी, आतिश, रिश्ते और मिली। इनकी बहुत एक फिल्म इनकी बहुत पॉपुलर हुई थी, एफटीआई से पास आउट है। मंजुल जी भी एफटीआई से पास आउट है, एफटीआई के स्टूडेंट्स हैं, एक्स स्टूडेंट्स। इनकी एक फिल्म थी साथ साथ, फारूक शेख और दीप्ति नवल के साथ, जिस फिल्म ने रमन जी को इंडस्ट्री में लॉन्च किया। उनकी पहली फीचर फिल्म थी, आपको उसका गाना याद होगा, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी तुम भी बना सा। रवि राय साहब जो हैं, ये इनके इनके बारे में एक बहुत चीज मशहूर है, इनको हम पूछा करते थे कि रवि तेरे शो में पॉजेज बहुत होते हैं यार, हर लाइन के बाद इतने पॉजेज होते थे इसके शो में। ये बोलता था कि पॉजेज इसलिए कि मेरे को लेंथ कम शूट करना पड़ता था। जो 23 मिनट का जो एपिसोड होता था, इसका एपिसोड एक्चुअली सिर्फ 10 मिनट का होता था, और ये बदमाशी करके 15 मिनट से पॉजेज लेता था और चैनल को बेवकूफ बनाता था ये बोल के कि सर ये मूवमेंट है, ये मूवमेंट पकड़ना बहुत जरूरी है। तो टेलीविजन में चैनल को जितना ज्यादा बेवकूफ जितना रवि ने बनाया, उतना किसी रेटर ने आज तक नहीं बनाया होगा। रवि सैलाब थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, इम्तिहान, स्पर्श, फियरलेस और कशिश। थैंक यू रवि फॉर बीइंग विद अस टुडे। इनके बाद जो पड़ोस में बैठे हुए हैं, ये है पंकज पराशर साहब। पंकज पराशर ने एक शो शुरू किया, करमचंद, आपने सुना होगा, देखा होगा, एक डिटेक्टिव शो था। करमचंद की खासियत यह थी पंकज जी की कि पंकज ने कैमरा जो है अपने शो में कभी जमीन पर नहीं रखा। इनका कैमरा हर वक्त कंधे पे ही होता था और कैमरा हर वक्त घूमता था। मुझे याद है कि इनके एक एक्टर ने कहा कि यार बड़ा मुश्किल, पंकज कपूर एक्टर थे इनके शो के, उन्होंने कहा यार मूवमेंट्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ से जाना है, चार लाइनें खत्म हो जाएंगी, पांच लाइनें खत्म हो जाएंगी, बड़ा कठिन मूवमेंट्स है। तो पंकज जो बोला चिंता मत कर, तू एक जगह बैठ, मैं घूमता हूँ। तो पंकज जो है वो घूमता रहा, पंकज कपूर एक कुर्सी पर बैठा रहा, और ऐसा लगा कि वाकई शो में पंकज कपूर जो है वो काफी घूमता रहा। थैंक यू पंकज फॉर बीइंग विद अस टुडे। कुंदन शाह साहब, मास्टर ऑफ ह्यूमर, जितना ज्यादा बोलो उतना कम है कुंदन जी के लिए। इज बी माई टीचर, माई गुरु। टेलीविजन की हिस्ट्री, जैसा मैंने मंजू जी के बारे में कहा, जो टेलीविजन में कुंदन शाह ने क्रिएट किया, वो अगले 100 साल कोई डायरेक्टर और प्रोड्यूसर नहीं क्रिएट कर सकता, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। यह जो जिंदगी, नुक्कड़, वागले की दुनिया, सर्कस, इंतजार, बड़े बड़े शोज, और ऐसे वक्त पे इन्होंने शोज किए जब इस किस्म की फैसिलिटीज जो आज हैं वो नहीं है। आइए इनके सिनेमा की जर्नी की तरफ, फिल्मों की तरफ। इन्होंने जो फिल्म बनाई, वो फिल्म अगले 100 साल का, 150 साल का, 200 साल तक उस कॉमेडी, उस ह्यूमर को क्रिएट करना किसी की हिम्मत की बात नहीं है। कुंदन, वी ऑल सल्यूट यू फॉर योर जाने भी दो यारो, विच यू क्रिएटेड फॉर द इंडस्ट्री। वेलकम एंड थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। मेरे दाहिने ओर जो बैठे हुए, इनके इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत ही नहीं है, मैं जितना ज्यादा बोलूं उतना कम है। सतीश शाह साहब, सतीश शाह ने मेरी काफी रैगिंग की है जब मैं इनका असिस्टेंट था। ये जो जिंदगी में वो रैगिंग आज भी याद है। सतीश, वन ऑफ द ब्रिलियंट एक्टर्स, अगेन फ्रॉम एफटीआई, ब्रिलियंट ह्यूमन बीइंग एंड अ ग्रेट एक्टर, वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट एक्टर्स वी हैव ऑन टेलीविजन एंड सिनेमा। दाहिने ओर बैठे हुए हैं मेरे मित्र राजन शाही,
राजन रवि राय के असिस्टेंट थे और टेलीविजन की आज की दुनिया में, आज की इंडस्ट्री में राजन शाही इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डायरेक्टर्स एंड अ प्रोड्यूसर। इन्होंने जो शोज डायरेक्ट किए हैं वे उनका नाम है जस्सी जैसी कोई नहीं, सात फेरे, सपना बाबुल का विदाई, मायका मिली, करीना करीना। इन्होंने शोज प्रोड्यूस भी किए। अब इनकी खासियत यह है कि इनकी इनकी जो कंपनी का नाम है वो डायरेक्टर्स कट है, तो डायरेक्टर का जो पल्लू है उसे पकड़ के रखा हुआ, छोड़ा नहीं है। प्रोड्यूसर हो भी तो क्या हुआ, इनकी इन्वॉल्वमेंट इनके शोज में एज अ प्रोड्यूसर भी एज अ डायरेक्टर ही होती है। बहुत कमाल के शोज इन्होंने बनाए, विदाई, ये रिश्ता क्या कहलाता है, कुछ तो लोग कहेंगे, अमृत मंथन और प्यार हो गया। राजन शाही, मोस्ट वेलकम टू द मास्टर क्लास राज, अ पर्सन हु इज ऑन द जॉब क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर आफ्टर सॉफ्टवेयर, शोज आफ्टर शो, इज ऑन द जॉब डे इन एंड डे आउट। ऑल द बेस्ट राजन टू यू फॉर योर ब्रिलियंट जॉब। इतने सारे बदमाशों के बीच में एक सपना वाघमारे। सपना जी इज अगेन अ वेरी वेल नोन टेलीविजन एंड अ फिल्म डायरेक्टर, अ राइटर ऑल्सो, एंड शी इज प्रोड्यूस्ड ऑल्सो। इनके टीवी सीरियल्स हैं कुटुंब, कलश, होटल किंगस्टन, तीन बहुरानिया। इनके फिल्म थी दमादम, मराठी फिल्म है, इन्होंने बहुत अवार्ड विनिंग फिल्में बनाई हैं, मितवा, लाल इश्क और फुगे। सपना जी, वेलकम टू द शो, वेलकम टू द मास्टर क्लास। अरविंद बब्बल जी जो खामोश बैठे हुए हैं, अगेन अ वेरी वेरी इंटेलिजेंट सॉलिड मास्टर डायरेक्टर हु हैज रियली क्रिएटेड ब्रिलियंट सॉफ्टवेयर ऑन इंडियन टेलीविजन। ही शोज महाकुंभ, कुमकुम, सरस्वती चंद्र, छोटी माँ। अरविंद, वेलकम टू द शो एंड बीइंग विद अस। जैसा कि मैंने कहा कि यह पहली बार इस माहौल में, इस कौन में हमारे मास्टर क्लासेस होते रहे। इतने सारे मास्टर डायरेक्टर्स जिन्होंने पूरे देश दुनिया को पकड़ के रखा, एंटरटेन किया, ये बहुत ही मुश्किल होता है, मुश्किल है। मैं शुरुआत करूंगा और मैं कहना चाहूंगा हमारे जितने भी जो मित्र हैं कि एक सवाल जवाब का सेशन नहीं होना चाहिए, यह एक चौपाल होना चाहिए। ड्राइंग रूम में हम सब बैठे हुए हैं, गप्पे होनी चाहिए, इंसिडेंसेस सुनाइए, अपने एक्सपीरियंसेस हैं, कुंदन ने कितनी बार सतीश को डांटा, सतीश ने कितनी बार मेरी खिंचाई की, रवि राय की, सब कुछ। तो जो इंपॉर्टेंट इंसिडेंसेस हैं, जो इंसिडेंसेस हुए हैं इनके साथ, इनके एक्सपीरियंसेस के साथ, मेरे ख्याल से वो हम नरेट अगर करें लोगों के बीच में तो ज्यादा मजा होगा। तो मैं कुंदन, आई वॉन्ट टू स्टार्ट विथ यू। हाउ यू अ फिल्म मेकर, फिल्म बना रहे हैं, FTI से पास होके हैं, हाउ डिड यू स्टार्ट द जर्नी ऑफ टेलीविजन बाय मेकिंग सच अ बिग इंपॉर्टेंट शो लाइक हेजल, हाउ डिड इट स्टार्ट? पहले तो मैंने फिल्म पहले ही बनाई थी, जाने दो यारो, इतनी अच्छी थी कि कोई काम नहीं मिला उसके बाद। तो वैसे खाली बैठे रहते थे, फिर से असिस्टेंट करते थे, दूसरे लोग मेरे सईद मिर्ज़ा, मोहन जोशी बना रहे थे, सतीश शाह काम करते थे, नसीर काम करते थे, तो उसमें हम असिस्ट करते थे, सीन लिखते थे। तो वो दौर अलग था। वो तो क्या है, कोई बड़ी चीज़ नहीं बनाता, वो बड़ी चीज़ हो जाती है। कोई भी कल्ट नहीं बनाता है, कल्ट बन जाती है। तो वैसे ही टेलीविज़न की भी शुरुआत वैसे ही हुई थी कि मैं नेशनल अवार्ड के लिए गया था जानवरों के, तो उन वहाँ के जो सेक्रेटरी थे वो बहुत डायनामिक थे, मिस्टर गिल, जिन्होंने हम लोग शुरू किया, जिन्होंने बहुत फिल्म मेकर्स को इनवाइट करके बताया कि आप सोप बनाइए। लेकिन सोप की उनकी खासियत थी, मैक्सिकन सोप बोलते थे वो, कि जिसमें सोशल मैसेज हो। तो पहला उनका ही कंट्रीब्यूशन था। हम लोग, मनोज श्याम जोशी, उन्होंने टीम खड़ी की वहाँ, उन्होंने वहाँ स्टूडियो में वो सीरियल शूट हुआ उन वक्त, मतलब 1984 जब वो शुरू हुआ था, तो ट्वाइस ए वीक शुरू हुआ था, देन इट स्टार्टेड बिकमिंग थ्राइस ए वीक। और उसकी एक खासियत थी, अशोक कुमार जो एंड में आते थे, वो कमाल का था, जो अशोक कुमार का कॉन्ट्रीब्यूशन था, वो इतना अच्छा समाप्त करते थे, वो पूरा जो एपिसोड था उसका एक सोसाइटी से जोड़ देते थे, लोगों के घरों के साथ जोड़ देते थे, वो कैरेक्टर ऐसे थे।
तो मेरे लिए हम लोग बहुत वो खास चीज है। वो अशोक कुमार जी कमाल थे हम लोग में, तो जलवा में मैंने जॉनी लीवर का सीन डाला था अशोक कुमार अलग ट्रिब्यूट था। तो ये जो जिंदगी वहाँ वो सेक्रेटरी थे, उन्होंने बोला कि तुम कॉमेडी सीरियल बनाओ। तो फिर तब मेरे दोस्त रंजीत कपूर, जिन्होंने मेरे डायलॉग लिखे थे ये जानवर यारों के, उनका एक प्ले चल रहा था, एक घोड़ा छः सवार, वो था बेस्ड ऑन ए हॉलीवुड ब्रॉडवे प्ले। तो उसमें एक हैंडपैक्ड हस्बैंड का रोल था, मतलब और उसकी वाइफ है और वाइफ का ब्रदर इंस्पेक्टर है, जो वो हावी रहता है ये दोनों के रिलेशनशिप में। तो बेचारा हस्बैंड नहीं, जो वाइफ बोलता है वो करना पड़ता है, जो उसका ब्रदर इन लॉ बोलता है वो करता है। उस लेवल पे हमने सोचा कि वहाँ से शुरुआत करेंगे ये जो जिंदगी की। फिर वो एक अच्छे एक्सीडेंट्स होते हैं, मनोज श्याम अपने शरद जोशी को हम लोगों ने कॉन्टेक्ट किया, और शरद जोशी ने फिर वो, क्योंकि वो खुद इतने अच्छे ओरिजिनल राइटर है, तो उन्होंने वो प्ले का सुना, फिर बोला कुंदन इसको छोड़ देते हैं, इसको अभी देखते हैं हम ऑर्गेनिकली कहाँ ले जाते हैं। तो उन्होंने फिर वो जो राजा का कैरेक्टर था वो एक अलग कंसीव किया, और जैसे मैंने बताया मंजूल और हम लोग साथ में बना रहे थे पहले बार, तब हम लोगों ने एपिसोड का बजट दिया था 1,20,000, 80,000 नेगोशिएट करने के लिए कहा होगा एक्चुअली 1,20 था, आज पता चला अभी तो क्लेम कर ले तो कुछ लोग थे तब, वो 1984 में 80,000 बहुत बड़ा होता था बजट, कि कुछ लोग बोले हम 30,000 में बना के दे सकते हैं ये। लेकिन वो मंजूल के जो प्रोड्यूसर थे मिस्टर ओबेरॉय, वो हमारे साथ बने रहे, बोले नहीं तुम बनाओ जो चाहते हो बनाओ। और फिर मनोज श्याम अपने शरद जोशी और मंजूल और हम लोगों ने शुरुआत की। मैंने बताया सतीश शाह का रोल कैसे हम लोगों ने सोचा, और एक चीज़ हम लोग का कुछ मोटिवेशन होता है जब भी आप कोई चीज़ बनाते हैं, तो एक चीज़ बाहर की होती है। मेरे लिए पर्सनली ये थी कि हम लोग जब उस वक्त 1984 में, अब दूरदर्शन ही था, एक ही चैनल था, लेकिन वहाँ एक बहुत अजीब सी बात होती है, बहुत हॉलीवुड सीरियल चलते थे डिफरेंट स्ट्रोक से, ऐसा कुछ कुछ चलते थे। तो वो एक अजीब लगता था कि हिंदुस्तान के किसी गांव में किसी अमेरिकन शो वहाँ लोग बैठ के देख रहे हैं, इतना कल्चरल डिफरेंस है। तो वो एक हमारा मोटिवेशन था कि हम भी एक अच्छी कॉमेडी हिंदुस्तान में बनाएं, ताकि ये सारे जो शोज हैं वो आउट हो जाए। एक्सक्यूज माय इंटरप्शन, मुझे बराबर याद है मंजुल जी ने ये कहा था तब कि ये उस ज़माने में पाकिस्तानी सीरियलों का बड़ा दौर चला था, लोग बोलते वाह क्या जबान है इनकी और क्या टेकिंग्स है और क्या ये और क्या फलाना टिपका। मंजुल ने कहा वी डोंट लैक इन टैलेंट, व्हाई कांट वी मेक समथिंग लाइक दैट, और दिस इज हाउ इट ऑल स्टार्टेड। मैंने कहा हाँ, हमारे पास एक्टरों की तो कमी नहीं है, कमी तो सिर्फ मेकर्स की है, तो बन जाओ मेकर्स, राइट? मुझे याद आई होगा, आप आगे बढ़े मंजुल, राइट? तो इस तरह से शुरुआत हुई थी ये जो जिंदगी की। राजन, यू हैव ग्रोन विद वॉचिंग द शोज विच दीज मास्टर्स हैव मेड, लेजेंड्स, या How do you, as a director, as a producer, would like to share your inspirations in what they made and the kind of work you are doing now? You are, ये तो मतलब once in a week था, आप तो daily, आपकी local train तो रोज चलती है, मतलब दिन में दो episodes, दिन में, so the entire genre has changed, the entire system has changed, the entire style has changed, but you have managed to keep the audience hooked on your channel. Some experiences of yours as a maker, with writers, with the team, with the actors and all that, we can share something with the audience. एक तो फसल अशोक जी, I want to thank you then all the committed members of direction team कि उन्होंने ऐसा सोचा और मुझे मौका दिया कि इतने बड़े legends के साथ इस team director साथ बैठने का। I think शुरुआत तो हुई सर के साथ, रवि जी के साथ, तो I can't say much because शुरुआत सर से हुई, everything what I've done is because of him. एंड बट इंडस्ट्री में आते हैं राजन, खुल के बोलना प्लीज, अभी है, गुरु है टीचर है साइड में, बिल्कुल इसके जा रहा नहीं, इसके बाद में भी उल्टी साथ ही बात करनी जरूर करना। राजन आज भी मार खाएगा नहीं, अशोक जी पॉज लेता ही नहीं है, वो तब से जो पॉज के खिलाफ चल रहा है, वो इतने सीरियल बनाता है, पॉज नहीं लेता वो।
एनीवे इंटरप्ट कर रहा हूँ, अगर मुझे ये पूरे टेन्योर में जो मैं था, अगर मुझे किसी ने बचाया है तो वो राजन नहीं बचाया, क्योंकि सीन टाइम पे नहीं पहुँचते थे, मैं सेट पे आके लिखता था, ये अकेला बेचारा मैनेज कर रहा होता था सारे एक्टर्स की गालियां वालियां जो भी। ये कोई नई बात नहीं थी, ये सनातन काल से चला रहा है। आप कुंजन जी से पूछिए, मंजू जी से पूछिए, हम एक सीन कर रहे हैं उस दरमियान दूसरा सीन लिखा जा रहा है। लोगों ने क्या कैरेक्टर था सतीश शाह का, ये वो ऐसा कुछ नहीं था, वहीं के वहीं हम बनाते थे। तो ये जो था ये टेलीविजन देन था। ये टेलीविजन देन था, लिखते तो आज भी टेलीविजन था, आज वही लिखते हैं। हाँ, आज रात को कोई नहीं, ये सिलसिला जारी है, सिलसिला जारी है, हम मिटने नहीं देंगे। नहीं नहीं सर, एक बोलूं मैं, आज बाउंस स्क्रिप्ट होती है, मगर लास्ट मिनट चैनल आके उसे नहीं, रात को 1:30 बजे चेंज हो, अप्रूवल 1:30 बजे लास्ट मिनट चैनल चेंज करता है, जब एक सीन शूट हो रहा है उसका कॉन्टेक्स्ट भी चेंज हो जाता है नेक्स्ट सीन का, फिर वंडरिंग की पर मैंने तो पहले ये सीन शूट कर लिया, नहीं अब इस हिसाब से बिठा दो, यही एक आज भी हो रहा है, क्योंकि हम उस जमाने से जब बेचारे चैनल वाले बिल्कुल दखल नहीं देते, बैठे रहे। मुझे अच्छी तरह याद है जब हम फिल्मी चक्कर करते थे, मैं पूछता था अशोक से, ये कौन खड़ी है वहाँ, ये प्रोड्यूसर है वो, ध्यान मत दो। हेलो सर, अब तो उल्टा ही माहौल है बिल्कुल, तो इसीलिए सच अ बिग कल्चरल शॉक। हम लोगों के पास इतने किस्से हैं कि राजन बोल ही नहीं पाएगा जिंदगी। हाँ। क्योंकि जब ये कह रहा है ना कि चैनल वाले ऐसे बैठते थे, जब पहली बार तारा का एपिसोड बनाया था तो राशिका में बब्बू मेरा के वहां पे, तो सुभाष जी देखने आए थे एपिसोड कि ये क्या बना है पहली बार, उसके पहले तो ना हमने कुछ हुआ था पता नहीं था। तो जैसे ही एपिसोड खत्म हुआ तो उन्होंने पूछा कि इसके बाद क्या होगा, जैसे फ्रीज पॉइंट आया वो पहले एपिसोड का जो बाद में तारा फ्रीज पॉइंट बना, लेकिन तो उन्होंने कहा इसके पहले इसके बाद क्या होगा, मुझे खुद नहीं मालूम था इसके बाद क्या होगा। मैं क्या बताता इसके बाद क्या होगा, मुझे वहां से आइडिया आया कि ये फ्रीज पॉइंट हो सकता है। क्योंकि अगर मालूम होता तो मैं जवाब दे देता, टेलीविजन इज ऑल अबाउट इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। मैंने यही कहा, मैंने कहा टेलीविजन इज ऑल अबाउट इसके बाद क्या होगा। और तारा की खुसूसियत थी, फ्रीज पॉइंट आता था अगले एपिसोड का पिस्तौल पे तुम, और नेक्स्ट एपिसोड शुरू होता था चाकू से। अच्छा अच्छा तुम, दरवाजा खुला और फ्रीज। मुझे एक फ्रीज पॉइंट याद है, नेहा शरद ऊपर से कूदी और रमन जी ने मिड एयर फ्रीज किया था। Am I right? और होता ये था कि मेरा तो पॉजिटिव वाला सीरियल था, तो मैं हमेशा कहता था कि मेरा पॉजिटिव सीरियल है। अब होता ये था, इनके फ्रीज पॉइंट साइमल्टेनियस चल रहे थे, तो चैनल वाले मुझे कहते थे भाई वैसा फ्रीज क्यों नहीं ला रहे आप। अब मैं कहां से लाऊं रिलेशनशिप में वैसा फ्रीज। तो सर आपकी वजह से हम भुगते भी बहुत हैं। राजन तुम अगर सवाल का जवाब दे पाओ ना आज तो बहुत तुम्हारे लिए बहुत काबिलियत की बात होगी, अरविंद तक तो बात पहुंचेगी नहीं। क्योंकि हम सबके पास इतने किस्से ये और मैं दोनों स्टार्ट करने गए, इसने गलत सिरे से शुरू किया। दोनों गए थे वो वेस्टर्न आउटर में, इसको करण चंद मिला, मेरे को मशहूर महल मिला। नहीं, हम मशहूर महल पहले शुरू याद रखना, यहाँ रुके थे। क्या हुआ था कि एलेक पदमसी ने मुझे बुलाया, बोला कि तुम कुछ वीडियो सीख के आए हो FTI से, और तुमने धर्मेंद्र जी ने एक दिन फोन किया था, माय फादर वाज डूइंग अ फिल्म विद हिम, सो ही सेड कि आप कुछ वीडियो सीखा है FTI में, तो बेताब की आप प्रीमियर शूट करो। राजा सर वीडियो इक्विपमेंट नहीं है, बॉम्बे में कुछ नहीं है, स्टूडियो नहीं, बोलता नहीं नहीं मेरे दोस्त ने मंगा लिया और आप वो शूट करो, गेटी गैलेक्सी में प्रीमियर सुबह शो है और शाम को पार्टी है, पार्टी भी शूट करना, तो मैं वो 5,000 रुपया ही गेमी कैश एनुअल विच इज़ अ लॉट ऑफ मनी, और मेरा बोले वो अटेंडेंट आएगा, अटेंडेंट कौन था गेस करो, मंसूर अली खान, मंसूर उसका उनका लड़का,
तो ही वॉज वन हू स्कैन ही स्टार्टेड, तो वो शूट उठ गया. तो उसमें मैंने बोला ये बोरिंग लग रहा है बेताब का, तो मैंने डॉली को बुलाया और वो न्यूज़ के जैसे बुलाया कि आज न्यूज़ है और बेताब के दो हाउसफुल बोट चोरी हो गए, पिक्चर हिट हो गई है. तो एलेक एंड डॉली वर टुगेदर, सो एलेक सॉ एंड से इसको बुलाओ लड़के को. तो बोला मेरे को मशहूर महल करना, तो मैंने अपने क्लासमेट को बुलाया यू बी द कंपेयर और ए के बीर को बुलाया. तो पायलट शूट करे तो मैं बोर हो रहा हूँ, तीन कैमरा लगे कुछ हो नहीं रहा. बोला एलेक आई डोंट वांट टू डू दिस, आई वाज गेटिंग पे 2700 पर शो पर वीक, लॉट ऑफ मनी दैट. मैं ट्रेन में जाता था लिंटस. तो एलेक बोला यू स्टूपिड, आई एम पेइंग यू दिस मच, यू डोंट वांट टू डू दिस, इज अ न्यू टेलीविजन एंड ऑल दैट. उसमें इट वॉज द फर्स्ट के बी सी एक्चुअली क्विज प्रोग्राम, आई डोंट नो इफ दे नो अबाउट इट. अमिताभ बच्चन ऑफ दैट केबीसी जहाँ पे ओरिजिनल बच्चन जी, he was my classmate, so I said let's give him a break. So there was no prize money because Doordarshan didn't allow. तो उसमें प्रेशर कुकर होता था, टोस्टर होता था, प्राइज करेक्ट. That was Doordarshan. तो ये पार्टिसिपेंट था अशोक पंडित. रमन जी का पहला, रमन जी का पहला एपिसोड जगजीत सिंह पे था, क्वेश्चन आंसर्स. तो मैं असिस्टेंट था रमन जी का, बोला तू आजा आज. मैंने कहा सर आप सवाल के जवाब मुझे पहले बता दो. बोला जोर से मत बोल, मैं तुमको दे दूंगा. तो उस शो में मेरे को रमन जी ने जगजीत सिंह चित्रा सिंह के तीन सवाल के जवाब बता दिए, मैं जीत गया. घर में प्रेशर कुकर गैस सब आ गया घर में. पहली बार, पहली बार मेरे माँ बाप को लगा कि बेटा कुछ कमा रहा है. ये सही गलत लाइन में नहीं है, गलत प्रोफेशन में नहीं है. घर चलाया मेरा, पहली बार कुकर और गैस रमन जी की वजह से. कुछ भी कहो वो बेस्ट दिन थे हमारे. अशोक सबने ही ओमी और टोस्टर. तो ऐसा हुआ उसके बाद कि एलेक ने बोला ये नहीं करना तो क्या करना. ऐसा एलेक मेरे को सिनेमा करना, बोले टीवी पे सिनेमा इतना नहीं होता तो क्या करेगा. ऐसे मेरे को डिटेक्टिव करना. तो उन्होंने कहा कि डिटेक्टिव का कंसेप्ट नहीं है इंडिया में. और आप में से जो लोग और भी ओल्डर हैं उनको याद होगा एक रेडियो प्रोग्राम आता था इंस्पेक्टर ईगल, विच वाज नंबर वन इन इंडिया 1967-68. छोटा था विनोद शर्मा एंड अपने विश्वामित्र, विनोद शर्मा इंस्पेक्टर होते थे और हमारे यूनुस हवलदार होते थे. इनके लिए जुरैसिक पार्क है सर. सो आई टोल्ड एलेक, आई सेड मेरे को, तो बोले अच्छा चल तू पायलट शूट कर ले. पायलट का कितना लगेगा? मैं बोला 15-20 हज़ार दे दो. तो पायलट में आलोक नाथ करमचंद था, किटी थी नहीं और गाजर था. तो पायलट शूट हुआ, दिल्ली गया तो गिल साहब का टेलीग्राम आया, सुपर स्टार्ट इमीडिएटली. तो उसके बाद आलोक के पास गया तो आलोक एंड मी हैड अ प्रीति में बैठे थे. तो तू तू मैं वही थोड़ा बहुत मैं इतना लूंगा ये करूँ, मैं तो सिलेक्ट हो गया, क्या कर लेगा, तेरे को निकाल दूंगा. बोले मेरे जैसे एक्टर को निकाल के तो किसको लेगा. आलोक इज माई फ्रेंड, आई कैन से दिस इन पब्लिक. आज किसी को भी लूंगा, वो सामने बैठा पंकज कपूर उसको ले लूंगा. पंकज कपूर इज अननोन. सो आई शिफ्टेड माई टेबल, वेंट टू पंकज कपूर, ऐसा 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 है, टीवी सीरियल कर रहा हूँ, उसका नाम करमचंद है, वुड यू लाइक टू एक्ट. पंकज बोलता आई डोंट डू टीवी. सबका अपना अपना बैगेज होता था. तो तीसरे टेबल में सुधीर मिश्रा बैठा था. सुधीर ने पायलट लिखा था करमचंद. ऐसे सुधीर यार उसको समझा यार कुछ कर. बोलता दैट्स ओके, व्हाट अबाउट सुष्मिता. ऐसा क्रिएट अ रोल यार, असिस्टेंट तो होगा डिटेक्टिव का ना, रोल क्रिएट कर लूंगा यार को, प्रॉमिस मी दैट. ऐसे तो उसने पंकज को मनाया. अगले दिन मैं गया, पंकज ओके हो गया. हम लोग ट्रेन पकड़ के दीपक काजर, मैं पंकज कपूर वेंट टू लिंटस. वहाँ पे रिहर्सल शुरू की. फर्स्ट एपिसोड वी शॉट, फोर एपिसोड वी शॉट, हिंदुस्तान लीवर रिजेक्टेड इट टोटली. बोले क्लीन दैट मैन हीरो बाय 33%, इज टू डर्टी. So we didn't have a sponsor. So Alec went to Ulka and he got some Robin Blue sponsor and then it came on the air after that. And then first episode, itni galiyan padi, kya hai, camera hilta hai, hero kya kar raha hai, you can't have fast cuts on TV, this is nonsense. Ye wo second, third, fourth episode took off. Sir, dekho, sanskarik ban jata wo, Alok Nath. Big contribution of Sunil Sharma also. Big, everybody. The DOP. Yeah. He is also FTI. Yeah. FTI, yes, Rajan. Rajan. मुझे इतना मजा आ रहा था कि मैं बातें सुन रहा था. राजू प्लीज कम ऑन, लेट मी जस्ट फिनिश. करमचंद का क्या, यू गाइस वोंट नो व्हाट एक्चुअली हैपेंड, इट बिकेम वेरी पॉपुलर, बट आई स्टार्टेड गेटिंग फोन कॉल्स. दिस इज कमल. आई सेड हू कमल? कमल हसन, आई एम योर फैन. आई जस्ट सॉ दिस एपिसोड. आई मनोज कुमार. वो शॉर्ट कैसे दिया तूने? सो इंडस्ट्री साइड बच्चन साहब का वो आदमी का फोन आया कि पिछला एपिसोड मिस हो गया था, वीडियो भिजवा दो. सो इट बाई 10th एपिसोड आई साइन 3 फिल्म्स.
रिमेम्बर मैंने भी फोन किया था सतीश बोला, सतीश ने भी फोन किया था कमल हसन बन के जी का फोन या राजन प्लीज जर्नी जो शुरुआत हुई नहीं मुझे बताना है कैसे जर्नी स्टार्ट हुई वो बहुत जरूरी है। 91 में आया था आई थिंक बॉम्बे, तो जैसे 90% आई थिंक लोग इंडस्ट्री में आते हैं और जो एक्टर बनने के लिए, मैं भी एक्टर बनने आया था, तो रवि जी का बहुत स्ट्रगल करता था, बहुत स्ट्रगल ट्रैक सिनेमा पे जाके ऐसा स्ट्रगल। थैंक गॉड सर उन्होंने माइंड चेंज कर दिया, तो आई रिमेंबर रवि जी का बहुत स्ट्रगल करता था इशू से, लाइक यू नो कल मिलना परसों मिलना व्हाटएवर। एक दिन मैं आया आई थिंक अराउंड 93 में था और सर को आके बोला कि सर मैं लास्ट डे आ रहा हूँ आपसे बात करने के लिए मिलने के लिए, इसके बाद मैं मिलूंगा नहीं आपको। और गुस्से मून विला में शूटिंग थी गोरेगांव में आपकी, इम्तिहान किया थी, गुस्से से चला गया बस स्टॉप के पास गया ने गोरेगांव वो रॉयल चैलेंज के आगे जो बस स्टॉप आता है, ये सोच के गया था इस आदमी से दोबारा नहीं मिलूंगा, अभी गुस्सा दिखा दिया था पूरा। वहाँ गया, प्यास लग गई और मैंने बोला अभी पानी खरीदो, सब बिस्लरी का सिस्टम नहीं होता था तो मतलब यूनिट पर जाके पानी पी के आ जाता हूँ। अब पानी पीने का तो सर ने देख लिया, तो सर ने बुलाया, बोला कि देखो मैं तुम्हें एक्टिंग का तो जिम्मा नहीं ले सकता बट कल से तुम असिस्ट कर लो। सो दैट इज़ हाउ द जर्नी स्टार्टेड। एंड एक चीज़ जो मैंने सीखी एंड विद ऑल द मास्टर्स हियर वॉज दैट मल्टी टास्किंग का जो एक स्ट्रीक और जो हुनर था इन सब में ना, कि वो लिखते थे भी थे, सोचते भी थे, प्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व थे। आई थिंक ये जो चीज़ मैंने सीखी रवि जी सबसे काम करते हुए कि ये प्रोडक्शन में टोटली इन्वॉल्व, दो आनंद रियली बैलेंस्ड वेरी वेल एंड रवि जी क्रिएटिवली ज़्यादा सोचते थे बट राइटिंग से, हाँ जी आज रिवर्स है मैं प्रोडक्शन देखता हूँ वो डायरेक्टर है। हाँ बट आई थिंक रवि जी की राइटिंग से ही हम सब में डायरेक्शन सीखी, आई थिंक ऑल ऑफ अस, अनु जी भी यहाँ बैठे हैं। एंड रवि जी के साथ मौका बहुत मिलता था काम करने का बिकॉज रवि जी इज रिलैक्स बाय नेचर, रिलैक्स आई यूज अ बेटर वर्ड्स। और जब प्रोड्यूसर जब डायरेक्टर थे किसी और प्रोड्यूसर का, देन ही वाज मोर आई थिंक डिसिप्लिन्ड अबाउट टाइम, बट जब खुद प्रोड्यूसर बने तो ही हैज टू टेक हिज टाइम टू कम ऑन द सेट। उसका एडवांटेज क्या था, हम सबको बहुत मौका मिलता था काम करने का, एंड दैट वॉज आई थिंक वन द बेस्ट क्वालिटीज विच आई एंड अपॉर्चुनिटी विच आई गॉट, कि वो पुश करते थे आपको। जब मैंने पहली बार डायरेक्ट किया था सर, मुझे याद है रवि जी आपको याद नहीं होगा, अपना जो एसोसिएट थे संदीप करके उधर, तो वो आपके साथ एक्ट भी कर रहा था। आई रिमेंबर आप बहुत सारे एक्टर्स को डायरेक्टर्स बना देते उस टाइम पे, तो आई रिमेंबर आपने कहा था ये डायरेक्ट कौन करेगा, और आनंद देसाई जी का एक सीन था और मैं कुछ एक महीना हुआ था, आई डिडंट इवन नो शॉर्ट डिविजन एट दैट टाइम, तो आपने बोला राजन डायरेक्ट करेगा पूरी यूनिट इम्तिहान की, क्योंकि मुझे नहीं करना था मैं ढूंढता था कौन करेगा तो आई फर्स्ट डे वेन आई डायरेक्टेड ओनली 2 मंथ्स, मतलब मैंने ना वो TCR लिखा था उस टाइम पे, कुछ भी नहीं, बट सर ने बोला आप डायरेक्ट करोगे, एंड आई रिमेंबर मुझे शॉर्ट डिवीजन भी नहीं आ गया, आई वाज ड्राइंग चार्ट्स ऑन दैट स्क्रिप्ट और वट एवर एंड शॉट द फर्स्ट एंड सर कॉल्ड मी योर माय बिस्किट एंड ऑल दैट स्टफ। बट इतना कुछ सीखा ना, थी वो कॉन्फिडेंस जो मिला ना हर डिपार्टमेंट में घुसने का, इंकरेजमेंट मिली, आई थिंक दैट इज द रीजन वाई आई स्टार्टेड डायरेक्टर्स कट प्रोडक्शन। आफ्टर डायरेक्टिंग मोर देन 16 सीरियल्स रमन जी के लिए डायरेक्ट किया एंड मिली वी डायरेक्टिंग मोर देन 16 शोज डायरेक्टिंग एंड सेटिंग अप। डायरेक्टर्स कट प्रोडक्शन स्टार्ट करने का जो आइडिया था आई थिंक 2007 में, यही था कि आई ऑलवेज फेल्ट व्हाट वाज मिसिंग इन टीवी इन बिटवीन वाज बहुत केओस था। पहले जैसे ये मास्टर्स थे, दिस सिट ऑन एवरी डिपार्टमेंट, चाहे वो राइटिंग हो, कॉन्सेप्ट हो, शूटिंग का हो, एडिटिंग हो, म्यूजिक का हो, और सारी टीम को इन्वॉल्व करते थे। सो यू हैड अ कैप्टन ऑफ द शिप, यू नो, हु वुड गाइड एवरीथिंग, चैनल यूज्ड टू लिसन टू देम, यू नो। हम मुझे याद भी नहीं कभी सर चैनल की मीटिंग भी करने जा रहे थे, फोन पे बात करते पर एपिसोड आ रहा है। सो हम लोग सीखे बहुत, बट आई रियलाइज ओवर द टाइम क्योंकि डेली सोप आ गया 6 times in a week 7 times इन अ वीक, सो देर वॉज लॉट ऑफ लाइक असेंबली लाइन प्रोडक्शन, यू नो, नो बिंग यू हो क्या रहा, केओस था, बट आई फील डायरेक्टर इज अ कैप्टन ऑफ द शिप, तो इसलिए मैंने कंपनी का भी नाम स्टार्ट किया डायरेक्टर्स कट प्रोडक्शन। और लकीली एक लेगेसी जो चली, आज कंपनी में इतने अच्छे डायरेक्टर्स मिले, इसलिए मैं प्रोड्यूसर बना, लाइक रमेश कालरा इज हियर हु सेट्स अप ऑल माय शोज नाउ डायरेक्टर, तो अच्छी टीम मिली, हमने एक अच्छी मैनेजमेंट करी एंड टुडे वी आर रनिंग द लॉन्गेस्ट रनिंग शो इन एशिया, ये रिश्ता का कहलाता है, 9th ईयर है हमारा रनिंग शो फॉर 9 continuous years इज नॉट अ जोक राजन, ऑल द कांग्रेचुलेशंस एंड ग्रेट जॉब। सो आई थिंक वो जो सीखा सर से विद ऑल द अप्स एंड डाउन्स एंड ऑल द लर्निंग एक्सपीरियंस,
और आई थिंक शूटिंग में कम सीखा हम लोग, क्या 10-12 दिन सर के साथ काम करते हैं, जो 20 दिन हमारे अलग थे ना सर के साथ बैठना, बैकअप के बाद बातचीत करना, आई थिंक वो सबसे बड़ी हमारी लर्निंग थी जो आज कहीं नहीं है। सपना, कमिंग टू यू, व्हाट राजन इज सेइंग, यू आर ऑन टेलीविजन डे इन एंड डे आउट टुडे आल्सो, आपके शोज रेगुलरली चल रहे हैं, बीइंग हैंडलिंग टेलीविजन चैनल्स जो एक बहुत बड़ा अपने आप में एक आर्ट हो गया है अभी, assistant, you have assistant directors, but you don't have directors who are managing 10 scenes there, 10 scenes there, 5 scenes here. Aap khud editing pe bhi hoti hain, aap khud set pe bhi hoti hain, aur aap khud channel meeting bhi karti hain. So what people, the students and audience would like to know is, how do you manage? Because kafi jo log bachche aaj kar humare association mein bhi assistants aate hain, unki problem ye hoti hai ki, how do you manage these different areas? जैसे कुंदन जी ने कहा या रवि ने कहा कि हम लोग फोन पे बोल देते थे, सीन ओके हो जाता था, राइटर आ जाता, लेकिन आज के जमाने में, आज के टाइम पे जो रवि भी है, अरविंद बबल भी, यू ऑल फेसिंग दिस, देयर इज अ कांस्टेंट हैमरिंग, देयर इज अ कांस्टेंट प्रेशर, देयर इज अ कांस्टेंट हिटिंग फ्रॉम द चैनल, फ्रॉम द एक्टर्स. अब सबसे बड़ा जो चैलेंज है, सबसे बड़ा चैलेंज, यू बी सरप्राइज टू नो व्हेन कुंदन, पंकज, मंजुल जी, रवि राय, व्हेन वी यूज्ड टू डायरेक्ट शोज, हमारे टाइम पे डबल्स का कल्चर नहीं था. यू नो, यू बी सरप्राइज टू नो कि फिल्मों में डबल्स होते थे, अब टेलीविजन वर्ल्ड में भी डबल्स आ गए. तो मतलब अगर स्मृति ईरानी खड़ी है और उसको उसके क्लोजअप्स ले चुके हैं, सडनली इफ यू वांट टू गो ऑन द अदर साइड, इट्स नॉट स्मृति ईरानी स्टैंडिंग देयर, लेकिन स्मृति ईरानी की डुप्लीकेट है. एज अ डायरेक्टर, यू नो व्हाट अरविंद जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, राजन ऑल्सो, हाउ डू यू मैनेज, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट एरिया वेयर यू हैव टू हैंडल, आप पकड़े नहीं जाने चाहिए, बिकॉज क्लोजअप का मीडिया टेलीविजन. अब सतीश शाह का डुप्लीकेट तो नहीं मिल सकता, बिकॉज सतीश शाह अपने आप में राजन ने How do you manage? Can you share, Sir, editing, scripting, ये सारे इतने issues नहीं है, because if there is passion, then 24 hours are enough to handle things. कि आप वक्त निकाल के editing में भी जाओ, जो मैं करती हूँ, चाहे डेली सोप भी हो, तो अगर मैं एडिट में नहीं जा सकती तो एपिसोड मंगवा लेती हूँ, एडिटर से बात करती रहती हूँ, स्क्रिप्ट्स मेरी सेट पे आती है अगर मैं डायरेक्ट कर रही हूँ डेली सोप. बात रही चैनल को हैंडल करने की, तो आज मुझे सब लोग कहते हैं कि तुम्हें देख के लगता है तुम बहुत शांत हो, इसके लिए क्या कोर्स करना चाहिए, ऐसे डेली सोप कोर्स करना चाहिए, डेली सोप का कोर्स करना चाहिए, चैनल से डील करना चाहिए, बहुत शांत हो जाते हो, किसी मेडिटेशन में इतना दम नहीं जो इसमें है कि आपको इतना पेशेंस दे. सो चैनल से डील करते करते आदत हो जाती है, बिकॉज कुछ तो प्रेडिक्टेबल भी है राजन, यू लगरी कि कुछ चीज़ें हमें पता होती है कि ये चेंज होने वाली है, तो जानबूझ के हम देते हैं कि हमें जो चाहिए वो साइड में रख के पहले ये दे दो, ये चेंज करेंगे तो जो हमें चाहिए वो मिल जाएगा. कभी एक रैपो हो जाता है चैनल वालों के साथ, जब हम लोग आर्ग्यू कर सकते हैं उनके साथ, एक फेथ है अभी भी उनको हमारे पर, तो काफ़ी चीज़ें आर्ग्यू करके पर हम एफर्ट्स करने पड़ते हैं. रही बात ड्यूब्स की, आई थिंक इट्स अ एक्सट्रीमली सैड सिचुएशन, क्योंकि सिर्फ क्लोजअप में एक्टिंग नहीं होती है, सिर्फ इतने बड़े लोग बैठे हैं, मैं क्या बोलूँ इसमें, देयर इज अ बॉडी लैंग्वेज टू इवन अ लॉन्ग शॉट. मगर बहुत सारे एक्टर्स ये मानते मान रहे हैं आजकल कि अरे मेरा क्लोजअप में, मैं क्लोजअप के लिए आ जाऊँगा, आप लॉन्ग शॉट्स और मास्टर शॉट्स बॉडी डबल के साथ कर लीजिए. तो मुझे लगता है उससे सीन पर बहुत बुरा इफेक्ट होता है. एंड आई जस्ट होप, मैंने ज़्यादा नहीं किया ड्यूब्स के साथ का, मैं रिफ्यूज़ करती हूँ कि अगर ड्यूब अगर वो हीरो ड्यूब देने वाला है तो आई रादर नहीं करूँगी मैं वो सीरियल. ऐसे मैं 2 सीरियलें छोड़ भी चुकी हूँ, मगर कभी करना भी पड़ा है. तो इट्स अ वेरी सैड सिचुएशन एंड कर लेते हैं सर, हम मैनेज करते हैं, बट वो एपिसोड मैं खुद देखना पसंद नहीं करती अपने. अरविंद, योर एक्सपीरियंस इज, सर मैं इस सवाल का जवाब दूंगा बाद में, क्योंकि मेरे बड़े लोगों ने इतना बोला है और मैं सबसे किनारे हूँ. किनारे कोई नहीं है, सब एक ही है. माता पिता ने बचपन में सिखाया था कि बड़े जब बोले तो छोटों को चुप रहना चाहिए. रमन जी की बात हो रही थी और इनके फ्रीज पॉइंट की बात हो रही थी,
एक लेखक हैं जिनका मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन हम सब अगर उनके बारे में 5 मिनट बात होगी तो समझ जाएंगे, कुंदन जी के लिए वो काम कर चुके हैं। तो मैं उनसे मिला 94 में, दूरदर्शन के लिए एक सब्जेक्ट पे बात करनी थी, तो वो उन्होंने भी यही बोला यार टीवी तो मैं करता ही नहीं हूँ। तो मैंने नहीं सर बहुत अच्छा विषय है, इस पर आप अपना लगाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो यार मेरे से उस तरह का काम नहीं होता कि दरवाज़ा खोलो और फ्रीज, नेक्स्ट एपिसोड हुआ तो दूधिया खड़ा हुआ है। तो मैंने कहा नहीं सर इसमें दरवाज़ा खुलने का स्कोप नहीं है, इसमें बहुत दूसरी चीज़ें हैं। क्या भी सकती है। तो उन्होंने एडवांस पैसा लिया सर 6 एपिसोड का, और उसके बाद मेरा संघर्ष शुरू हो गया। उन्होंने बोला था 15 दिन के अंदर मैं जो है तुमको देता हूँ, इसका पूरा बना दूंगा। मैंने 15 दिन के बाद फ़ोन किया, बोले यार अभी ऐसा है मैं कानपुर में हूँ और बस पहुँच जाऊँगा 2 दिन बाद, हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। महीने भर बाद फ़ोन किया, बस अरविंद यहाँ पे है, पेपर पे आना बाकी। तो उसके बाद सर 2 महीने हो गए, 3 महीने हुए। मैंने कहा कैसे सर? तो वो मेरे बड़े भाई के मित्र हैं, तो मैं बड़े दिन तक तो भाई साहब वाले चक्कर में। फिर मैंने एक दिन फोन किया, रहा यार क्या करूं, आज मिंटो रोड में जाता हूं वहां परेशानी, गोल मार्केट जाता हूं वहां परेशानी, उनका कुछ था। तो मैं कहा रंजीत भाई आपको ना मैं इधर सुन चुका हूँ। तो सर मैंने उनको, मुझे समझ में आ गया और मैं एक दिन उसमें कि बहुत हो गया भाई साहब और आप जाके तिया पांचा कर देते हैं जो भी। तो मैंने फोन किया रंजीत भाई आप किधर हैं? गोल मार्केट में कि यहाँ पे ये महिंदो रोड? तो बोले नहीं आज तो गोल मार्केट में हूँ। तो मैंने कहा आता हूँ फिर। हाँ आओ तुम शाम को आ जाओ। मैं निकलने लगा तब मोबाइल नहीं होते थे, फ़ोन आया घर पे, यार तुम आओगे वहाँ पे जो है ना गोल मार्केट पे पान वाला है उसको बोल देना बस रंजीत भाई के 5-6 पान ले आना। मैंने कहा ठीक है रंजीत भाई। उसके बाद मैं गया, तो निकलने लगा तो फिर एक फ़ोन के वहीं पर जो एक वाइन शॉप है एक रम की बोतल ले आना। मैं सर पूरी तैयारियों के साथ वहाँ पहुँचा और रंजीत भाई ने तहमत पहना हुआ था, ये चेक वाला और बनियान पहनी हुई थी, दाढ़ी बड़ी हुई और बड़ा अजीब सा माहौल जैसे मातम वाली स्थिति। मैंने कहा क्या हुआ सर? अरे कुछ नहीं यार, ऐसी परेशानियां हैं जिंदगी की, ये वो। 2-3 पैक पिए सर, उसके बाद उनको मतलब वो लिटरली उनकी आंख में आंसू आ गए। अरे मैंने कहा रंजीत भाई क्या हो गया? वो एक्टर भी थे। तो बोले यार, बोले यार अरविंद मैं मतलब जीवन में इतनी ऐसी ऐसी विषम परिस्थितियाँ आई हैं लेकिन मैं कभी टूटा नहीं अंदर से, लेकिन आज टूट गया। आज मैं दिन में गया था प्रगति मैदान में बुक फेयर लगा हुआ और मुझे 2 किताबें खरीदनी थी 450 रुपये की, मेरे पास वो 450 रुपये दी थी। और मैं मतलब मुझे भी लगा कि ये तो बहुत ही गलत हो रहा है, मेरे पास 600-700 रुपये थे सर, वो 600-700 रुपये दिए मैंने। किताबें जाके लो, मैं गोल मार्केट से नोएडा अपने घर आया, रात को 2 बजे पहुंचा और माँ से मैंने ऑटो के पैसे दिए, मेरे पास वो पैसे भी नहीं थे। तो बड़े बड़े सीनियर्स के साथ हमारा भी थोड़ा सा रहा है। पर इसमें भी सीख सकते हैं आप सर। हाँ बहुत सीखा मैंने, बस मैंने बहुत सीखा और अभी आपको लेटेस्ट सीख बताता हूँ। क्योंकि अभी जो बहुत टैलेंटेड भी है जी जी, जो मैं बताऊंगा सर पे बहुत बहुत बड़े बड़े प्लेस, बहुत बड़े बड़े काम जाने, ओरिजिनल सारे प्लेस जो भी किए हैं, एडप्ट किए हैं, कभी नॉवेल से किए हैं, कभी ये किए हैं, लेकिन कुछ महीने पहले की बात आपको बताता हूँ, उस दुर्घटना या घटना की बात। उसके बाद उन्होंने रंजीत भाई ने काफी लोगों को बोला यार ये प्रोड्यूसर डायरेक्टर है जो मेरे को किडनैप करके ले गया था। तो मैं उनको लिटरली वहाँ ले गया अल्मोड़ा से ऊपर एक जगह, ये बोल के आपको नोएडा में शिफ्ट कर रहा हूँ, और तो उनसे 3 महीने पहले मेरी मुलाकात हुई एक और संदर्भ में। मैंने कहा चांस लेना चाहिए, रंजीत भाई बहुत गुणी टैलेंटेड आदमी है, इनके मतलब सरस्वती नज़दीक रहती है। मैं गया, मैंने बताया कि ऐसे कैरेक्टर के पे हमको काम करना, रंजीत भाई जो बहुत सच बोलता है और करवा चौथ के दिन अपनी पत्नी से पूछ लेता है कि भाई तुम सच बताओ मुझसे प्यार करती हो, 7 जन्म की जो बात कर रही हो, और पत्नी बोलती कि ये जन्म निभ जाए तो बहुत है, तो ऐसा कैरेक्टर है। और तो बोले बिल्कुल झूठ नहीं बोलता। मैंने नहीं बिल्कुल झूठ नहीं बबल, मैं ऐसा है, 1 हफ्ता 2 मुझे
मैं कर दूंगा, मैंने ठीक है नहीं मैं शूटिंग में जा रहा हूँ आप जो। उसके बाद उन्होंने मैंने जो शुरुआती कार्रवाई होती है वो हमेशा ही तकलीफ में रहते हैं, तो वो काम सब कर दिया मैंने और मैं जा रहा हूँ शूटिंग के लिए। बोले यार बबल वो तुमने होटल तो बुक कराया नहीं, मैं घर में तो लिखता ही नहीं। फिर मैंने अपने प्रोडक्शन वालों को बोला मेरा भाई यार उधर गोरेगांव के आसपास भी देखो यार उनको तो घर में तो करते ही नहीं। उसके बाद सर मैं 8 दिन की शूटिंग के बाद लौटा, मेरे को कहीं प्रेजेंटेशन करना था, मैंने सिर्फ चैनल में तो यही जो आपको सुनाया उतना ही सुनाया था। बड़े एक्साइटेड हो गया, कमाल हो यार उसके लेके आओ रंजी आप, मैं रंजीत भाई के भरोसे। मैं वहाँ से लौट के आया तो उन्होंने एक मेल किया और बोले अरविंद मैंने कर दिया और मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ, इसमें कुछ करेक्शन होगा तो बता देना, वैसे मेरे हिसाब से परफेक्ट है। तो मैंने पढ़ा सर उसमें जो है ना झूठ के प्रकार और वो कौन सा शरीर में केमिकल रिएक्शन होता है इसकी वजह से झूठ बोलता है, मतलब पूरा वो नेट से ना कुछ कट पेस्ट करके कोई सामग्री मिली मेरे को। और वो प्रोग्राम आज तक नहीं बना सर, वो मैंने जो रंजीत भाई ने लिख के दिया था तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। रंजीत भाई को भी समझ में आ गई ये बात, उन्होंने बोला मुझे कि यार मैं जो है ना मुझे समझ नहीं आया तुमको कमिट किया हुआ था और ऐसा है मेरा नाम वैसी बदनाम है पर मैं तुमको दोबारा जो है ना बहुत अच्छा लिख के दूंगा। तो मैं अभी उसकी मतलब राह देख रहा हूँ, वादा भूलते नहीं है। और एक बात और बताऊँ, एक दिन ऐसे ही हम लोग बैठे हुए थे तो वो राइटर चल रहा था पीने पिलाने का, वो फुटबॉल का मैच चल रहा और वो रोने लगी जोर से। एक और हमारे मित्र पीयूष मिश्रा वो भी थे, वो रो रहे वो तो रंजीत भाई रोने लगे। मैंने कहा क्या कर रहे हैं भाई? अरे यार कितनी मेहनत करते हैं ये लोग, यहाँ से भाग रहे हैं वहां तक, यार हम कुछ करते ही नहीं। तो मतलब ये एक बहुत ही अलग किस्म का क्रिएटिव व्यक्तित्व है, इनसे भी सीखना चाहिए, मैं अभी भी सीख रहा हूँ। सारी चीजें पॉजिटिव से नहीं सीख जाती जी। नहीं मुझे इनसे सबसे याद है ऋषि कपूर जो मेरे अच्छे दोस्त थे, एक दिन बोल रहे थे उन दिनों जरा उनकी नया डामाडोल थी, कुछ खास काम नहीं था। I'm doing a very good subject, yeah. बोला अच्छा अच्छा, you know it's all me. बोला very good, very good. You know the guy is very talented, you know Ranjit Kapoor. Very good, you know the film on me only. Chintu ji. बोला अच्छा अच्छा, बोला he has written for us in Janabi Do Yaar and all. Yeah, that's a very, 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 very talented guy. उसके बाद क्या हुआ पता नहीं, लेकिन जिस तरह आपने सुना उनका वर्णन और उसके बाद मैंने कभी चिंटू जी के मुंह से उनका जिक्र नहीं सुना, ये बात ऐशुदा है। नहीं लेकिन मैं इस बात को बोल के वो उस चैप्टर पे विराम लगाऊंगा कि रंजीत भाई ने इतनी खूबसूरत चीजें लिखी हैं। हाँ। और एक बहुत छोटा सा सीन है जो मैं बता दूं, जो उन्होंने बहुत और उनको ये अच्छी आदत यह है कि आप 6 बार रिजेक्ट करो फिर लिखेंगे, कुंदन जी भी जानते होंगे इस बात को। तो एक सीन था नहीं बन रहा था, कॉमेडी सीरियल था और हीरोइन की रुखसती का समय है और मैंने कहा विदाई तो विदाई होती है, अब इसमें आप क्या कॉमेडी करोगे, तो कुछ होना चाहिए विदाई जैसा ही। तो उन्होंने एक सीन लिखा था सर, फरीदा जलाल उसमें माँ थी और दीपिका देशपांडे उसकी बेटी थी, फारूक शेख थे, तो वो रुखसती के टाइम में। और ये जो दीपिका देशपांडे वाला कैरेक्टर था रूही, वो मटर बहुत खाती थी, माँ लेके आती है वो छीलते छीलते खा जाती थी और वो मटर कीमा नहीं बन पाता था घर में। तो रुखसती के बाद वो जो है आती है माँ को लेके अंदर और एक पोटली माँ के हाथ में देती है, कहती है माँ तेरी मटर कभी कम नहीं होगी, और वो पोटली हिलती है सारी मटर जो है गिर जाती है। तो क्लासिक सीन था और उस मतलब मुश्किल से वो मुझे लगता है 1.5-1.5 मिनट का सीन होगा, लेकिन एकदम जो है वो यहाँ लगता था। तो वो बहुत बहुत बड़े बड़े लेखक हैं और मैंने जो बातें की हूँ उसको आप अन्यथा ना लें। मैं इतना कहूंगा देखो चाहे वो सतीश, आई वांट यू टू नरेट योर एक्सपीरियंसेस एज एन एक्टर। सी आप एक सतीश एक ऐसा एक्टर है जिसमें टेलीविजन की शुरुआत से लेकर अंत तक अभी तक टेलीविजन कोई रूल करता है एज एन एक्टर। आई वांट यू टू नरेट सम एक्सपीरियंसेस ऑफ योर्स और सम इंसिडेंसेस वेयर द एक्टर सिटिंग इन द ऑडियंस शुड यू नो दे शुड गेट रियली इंस्पायर्ड बिकॉज यू हैव बीन ब्रिलियंट राइट फ्रॉम डे वन till now people swear by you, people laugh at your performances, swear at people me as well, clap at your performances. I want you to narrate something. No, actually मैं बड़ा खुशकिस्मत रहा हूँ इस मामले में कि ये जो है जिंदगी जबकि ये शुरुआत थी, आई मीन टीथिंग प्रॉब्लम जो हो रहे थे हिंदुस्तान में जब टीवी शुरू हुआ, अब वो लो बैंड टीवी वाल्व सिस्टम के टेलीविजन होते थे, मुझे अच्छी तरह याद है मेरी नाक बहुत चमकती थी बिकॉज आई हैव एन ऑयली फेस, तो उस पर लकीर आ जाती थी, कितना भी अच्छा शॉट हो कुछ बोलते
क्यों क्या तेरा वो लाइन आ गया रिमेम्बर मंजू लाइन हुआ। फिर एक होते थे जैन ब्रदर्स, अभी भी यहां हो तो माफी बचाऊंगा, जो कहीं अंधेरे से आते थे राजकमल, 500 रुपए उस जमाने में पर आर लेते थे अपने इक्विपमेंट का, और उनका मीटर डाउन होता था अंधेरी से उन लोग नीचे उतरे अपने फ्लैट से तब से, और उनकी ये शर्त रहती थी कि हमारे इक्विपमेंट को दूसरा कोई हाथ नहीं लगाएगा, सिर्फ कैमरा मैन जो हमारे सतीश भाटिया साहब थे से लगाना पड़ेगा, हाँ, और सब हम करेंगे, वायरिंग ऑपरेट भी हम करेंगे, रिकॉर्डर आपका, कैमरा मैन सिर्फ कैमरा चलाएगा। तो ऐसे माहौल से हम गुजरे, वो छपड़े वाला हमारा कौन सा वो राजकमल स्टूडियो, लाइटें ऐसी तब थी कि जो गर्मी ज्यादा देती थी लाइट कम देती थी, छपड़ा कुछ कमी नहीं रखता था उसमें, वो भी पूरा बर्फता था, और हम हमारे को साथ में कुछ चार एयर कंडीशन रूम मिले थे, ये जो है जिंदगी के वक्त की बात कर रहा हूँ, हमारी दुविधा बता रहे हैं, मगर उसमें भी जो मज़ा आया वो अलग ही था, और पता नहीं क्यों मगर राकेश बेरी, शफी इनामदार और मैं एक ही कमरे में रहते थे, सबको अलग अलग कमरे दिए हुए थे फिर भी, और वो एसी में धूल ज़्यादा होती थी और ठंड कम होती थी। अरे बाप रे बाप, और ऐसे माहौल में आज तो मुझे बल्कि जलन होती है आज के एक्टरों को देख के, उनके लिए वैनिटी वैन है, एयर कंडीशन स्टूडियोज है, एयर कंडीशन जो बोलो वो एयर कंडीशन है, वो केनो लाइट्स आ गई हैं जिसे मैं ट्यूबलाइट समझता था, बाद में पता चला उसमें कोई फर्क है, और यानी माहौल इतना गजब का है, और उसमें भी आजकल के आर्टिस्ट सब बेहोश हो जाते हैं, मैंने सुना है काम करते करते, थैंक्स टू यू ऑल, क्योंकि हमारे जमाने में तो यही चक्कर था, जैसे हमने वैसे सीरियल जब की ये जो जिंदगी तो इसी तरह की जैसे डेली सोप कर रहे थे, बिकॉज एक एपिसोड हम लोग करते थे 8-8 दिन शूट, और बिगिनिंग में वजह बताता हूँ मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, वजह ये थी कि मीडिया नया था, वी वर फिल्म मेकर्स बेसिकली ऑल ऑफ अस, टीवी का जो माध्यम था वो ऐसा था कि कोई जानते नहीं थे, तो कुंदन शाह मंजुल शाह मंजुल सिन्हा गजब का आइडिया लिया, बोले सारे शॉर्ट्स लो फिर अपन टेबल पे देखेंगे, याद है अभी, ये तो नकार नहीं सकते हम लोग, यानी हम लोग शफी सरू राकेश बेदी और मैं चार लोग हैं, तो एक पूरा सीन हम चारों का एक ब्लॉक सीन, उसके बाद दो दो का और बाकी अपनी लाइन बोल रहे हैं, कैमरा एक ही होता। उसके बाद ये दो प्यार ये दो अपनी लाइन बोल रहे हैं फुल फ्लेज, उसके बाद सिंगल सिंगल और सब लाइन बोल रहे हैं, ये एक कुंदन और मंजुल की एक चाल थी, देखो क्यूज बराबर इंटोनेशन के साथ देना, इट कुड बी यूज्ड, तो इस तरह यानी मुझे अच्छी तरह याद है कि इनिशियली जो 10-12 एपिसोड थे उसमें जो 22 मिनट का तो एपिसोड होता था उसमें 9.5 घंटे का फुटेज होता था, और मेरे ख्याल से अपने एडिटर ने बाद में खुदकुशी कर ली, एडिटर ने खुदकुशी कर ली, 9 घंटे का फुटेज लेकर वो, यानी लोग बड़ा हंसते थे मजे उड़ाते थे, मगर हम लोगों ने बहुत मेहनत की कीपिंग जोक्स पार्ट, वी हैव वर्क फॉर समटाइम्स 36 आवर्स कंटिन्यूसली, फिर वो भगवान की मेहरबानी से एक दिन अन्ना साहब ने ऊपर से देख लिया, और वो ऊपर ही रहते थे अन्ना साहब यानी हमारे वी शांताराम जी, उन्होंने कहा ये यही कपड़ों में कल सुबह भी थे आज भी है क्या, हो क्या रहा, उन्होंने कहा शूटिंग हो रही, बोले ब्रेक नहीं हुआ, बोले नहीं ब्रेक नहीं चल रही है कल सुबह से आज रात तक, बोले ऐसे कैसे चलेगा, मेरा कोई आदमी जो है लाइटमैन कैटवॉक से गिर के मर गया तो इसका जिम्मेदार कौन हुआ, फिर उन्होंने इन पे ये सिल्ला लगाई कि डेढ़ शिफ्ट के बाद एक शिफ्ट का ब्रेक होना ही होना है, तब जाके हमें थोड़ा आराम मिला, वरना चलते ही रहता था, बिकॉज वी वर वर्किंग अगेंस्ट टाइम, और वो भी मैं आपसे कहूँ इसलिए जो हमें एक सर्टन डेट दी गई थी, और उस जमाने में पता नहीं क्या था क्या नहीं, लेकिन सडनली वो डेट प्रीपोन हो गई, राइट और उसकी वजह से इतना प्रेशर आ गया हम पर कि फिर दिन रात काम करते रहे, और अशोक भैया हमारे साथ थे, ये दो तो हैं ही, मैं था, तो इसमें तो कोई नकारने वाली बात है नहीं जिस तरह हमने काम किया, मगर उसी की आज खार है, ये बहुत बड़ी बात है। सतीश चलो ये मेहनत की बात जो है वो तो आज भी हो रहा है, नहीं जलन की बात है, गर्मी नहीं, अशोक आंसर योर क्वेश्चन व्हिच यू आस्क्ड सतीश, हां आई एम टॉकिंग अबाउट एक्टर्स, उन दिनों बहुत ही डेडिकेटेड, वो बहुत बड़ा डिफरेंस हुआ है उस जमाने में आज, हम लोग फोर्थ एपिसोड कर रहे थे, कुंदन वॉज सो टायर्ड ही वेंट एंड स्लेप्ट इन द मेकअप रूम, आई वॉज कंटिन्यूइंग, वी वर इन द सेकेंड शिफ्ट,
सुबह 4 बजे शफी का पोर्शन ख़त्म हुआ एंड मैंने कहा शफी तू चला जा, कम बैक बट 9 o'clock फिर शुरू करना है घर जाना। तू चला गया एंड आई वाज वेरी स्लीपी शूटिंग 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 एंड समबडी इज सिटिंग बिहाइंड मी एंड देयर वाज शफी। ही वेंट टू द मेकअप टुक अ बाथ केम बैक और हाथ रख के बोला यार मैं भी डायरेक्टर हूँ मंजूर बोलना नहीं टेक्नीशियंस या लाइटमैन और जो हमारे बाकी मित्र होते हैं वो प्रोडक्शन वालों से नहीं पूछते कब पैकअप होगा, वो हीरो को पूछते हैं सर आज कितने बजे हीरोइन को सर आज मैडम आप कितने बजे जाएंगी, तो वो पैकअप अभी आजकल ऐसे होता है। सर पहले के ज़माने में मतलब कुछ साल पहले मैं भी जब वीकलीज करती थी एक्टर्स आके पूछते थे आज कौन सा सीन करना है कैसे करना है, अब एक्टर्स आके पूछते मेरा चेकआउट टाइम क्या है या फिर कितने सीन। लेट्स कम टू अ सीरियस पॉइंट, हु इज टू ब्लेम फॉर ऑल दिस, कोई देगा जवाब? पॉइंट सतीश जी, व्हाई शुड वी ब्लेम एनीबडी, टाइम वर्क इट्स अ सिचुएशन, टाइम वर्क सर द वे देखो बहुत लेट मी आंसर दैट आई थिंक वी शुड लुक एट द पॉजिटिव साइड बिकॉज टीवी इज 3 times बिगर देन द फिल्म इंडस्ट्री टुडे। यस या लुक एट द अमाउंट ऑफ पीपल इट इज फीडिंग। Yeah. It is fantastic, but it has saved the industry. तो कहाँ इतने लोग खाना मिल रहा है? They are working hard. But that doesn't mean Pankaj that you do substandard work. No, hold on. Where is the substandard work when a show today is 9 years old, giving top TRPs? It's the greatest running show on in Asia. So how do you say it is substandard? I'm not talking about Manju. No, I'm saying we are not doing substandard work at all. That raises one more question. I will ask later. Manju, let's not judge them because at 9:30, if I want khana, I will not get because my maid is watching that. Let's not judge her. I'm not judging. Yeah. No, no. My show comes at 9:30. No, so that's the show. That's the show. No, my point there is, ये change in time है sir. We have to accept but that. I want but television has always what Pankaj said. That it is feeding so many the people, so many people it is employing. Television has always done that. Yes. Even जब शुरू का टेलीविजन जब हम कहते हैं बुनियाद था नुक्कड़ था ये जो जिंदगी था कौन लोग बना रहे थे, पुन्नो शाह बना रहा था, मैं बना रहा था, बंजुल बना रहा था, सईद मिर्जा बना रहा था, हम लोग वैसे फिल्मों में काम ढूंढ रहे थे। ये अपन तो वैसे बना आप वो जो अपने जाने तो यारों बना चुके थे, मैं साथ साथ बना चुका था अपने सईद मिर्जा अबाई का मजा है पीछा करो बहुत बिफोर आई डिड करम चंद आई वाज स्टिल ट्रैवलिंग माय रिक्शा लेकिन हम लोग सेवंथ एपिसोड अबाउट अ कार। तो जो जो ऑल्टरनेटिव मिला क्रिएटिव ऑल्टरनेटिव मिला वो टेलीविजन मिला, टेलीविजन चाहे एजो जिंदगी मिला, करमचंद मिला, मशहूर बहल मिला या वो अपना उस जमाने में नुक्कड़ मिला। और हम उस जमाने में टेलीविजन में जब टेलीविजन को टुच समझते थे लोग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मेरा पॉइंट ये है कि टेलीविजन 60-65 में शुरू हुआ, पहले सैटेलाइट 93 में आया, बहुत बड़ी फैलेसी है और ये बहुत बिना बात पे आई फील ऑफकोर्स अच्छे इंसिडेंट्स भी है बुरे भी है, बड़ी चैनल बैशिंग ना एक बहुत एक ट्रेंड बन गया है और एक इजी वे आउट हो गया ऐसा है नहीं कुछ है, कई केसेस में होता है इट हैपेंस। देखिए सर क्या होता है कि चैनल्स टुडे लुक एट द स्टेक, लुक एट द मनी, लुक एट द स्टेक व्हिच इज देयर फ्रॉम अ सिंगल स्टेट ओन्ड चैनल से दूरदर्शन टुडे आई थिंक वी हैव मोर देन 800 चैनल्स इन द कंट्री, 897 प्लस 190 दूरदर्शन चैनल्स। या सर उसमें से आई थिंक मोर देन 200 आर पेड चैनल्स, सो लुक एट द काइंड ऑफ अ रेंज। आज हर इंसान आप देखो टीवी ने जो एक मीडियम दिया है कि आज हर घर में आप बोलो ना चाहे वो अच्छा कुक हो, अच्छा सिंगर हो, अच्छा डांसर हो, अच्छा राइटर हो, जो एक एक्सेसिबिलिटी दी और प्लेटफॉर्म टेलीविजन आज दे रहा है एंड इतना कंपटीशन इज आल्सो इंक्रीज। सर लुक एट अभी एक नया जो डिजिटल का है
the entire youth and the urban market is going towards digital. And free-to-air channels jo are in, they're giving a very big competition to the paid channels. I'll finish this point. It's very important to know the channels' ke stakes bahut high hote hain, sir. Understandable. Abhi kya ho gaya? Wapas television mein kya hai ki sare channels or broadcasters are giving shows. Sir, everybody's an example of that. Yes. To creative, jo humne seekha aap logon se ki creative logon ko wo production de rahe. They don't want financiers. Channels have the finances. They have the finances to finance it to make the show. They want good creative people who can manage the show for them, get a good team together. Because competition bahut hai, sir. By 2020, television alone, Ashok would be touching 2.26 trillion, the revenues I'm talking, not billion. In India. In India. I'm only talking India. So look at the television that has grown, sir. How can you deny television? Or Satish ji, hum log sailab karte the, 8 din shoot karte the, 22 din khali hote the, hum to Babu Maharaj ji ke Rashika mein, wo hamara channel to wahi hota tha. To din raat wahi baithe hote the, ghar pe kaun baithega? But today things are very different. तो सर चैनल्स के क्या होते हैं स्टेक्स बहुत हाई होते हैं सो मेनी एग्जैक्टली प्रोड्यूसर्स आते हैं फाइनेंसर्स आते हैं दे विल नॉट पुट मनी टू देयर प्रोडक्ट शो खराब हो जाता है समवेयर दे हैव टू मॉनिटर दे आर आंसरेबल टू एडवर्टाइजर्स आल्सो यू नो सो दे हैव टू कीप अस लाइक सर मेरा शो ये आप पूछ लीजिए स्टार्टर कोई रिप्रेजेंट होगा आज तक मैं खाली उनको मास्टर सबमिट करता हूँ आज तक आई टेल देम द ब्रॉड स्टोरी ना मैंने कभी स्क्रीन प्ले भेजा उनको ना कास्टिंग के बारे में बताया दिस इज 9th ईयर ऑफ माई शो It depends also on the makers. How much they trust the makers? Because I'm doing a short film, web film. So I went to Javed Siddiqui. Oh. I really respect him. So I said, sir, ये है आपको लिखना है. I need you to write this. He says कि मैं channel कौन सी? I said कोई नहीं. Who do I have to report to? I said nobody, me. I said but what happened? He says I went to a channel. I won't name it. And there were three girls sitting and explaining to me कि character थोड़ा grey है, थोड़ा evil है, थोड़ा attractive है, positive भी है. अब सर आपको कैसे समझाएं जैसे बाजीगर में था शाहरुख. तो जावेद stood up. He said I cannot work with you. I have written बाजीगर. You don't even know that. And he walked out. This is a true incident. No, sir. I'll tell you one incident. 5 days back, I went to a very leading channel for research, and they told me the entire history of a show called Vidai. जो एक मैंने जब I think 2007 में I started my production house with the show called Vidai. That time Star was number 3. It was because that time all the shows were over the top, dramatic, and you know, Balaji kind of shows are there. This show broke the trend and became number 1 for 3 years. Just 3 days back, with my team, the research team was telling me about Vidai, why Vidai became it. Till subtitle, he had made Vidai. But I took it very actively, sir. I understood their point of view. I cannot come and say, "Arey, maine Vidai banaya, main sununga nahi." So today you have to adapt. Of course, they are youngsters. Itne saare log hain, sir. Mediocracy is thriving in an industry today. There are some talented people there. So you have to strike a balance. I have to start a zero every time I start a new show today. I keep a baggage of KFW's 16 shows are directors and 18 shows are producers. But when I enter a channel, no, I become zero. I want to make those 2 rupees my friends. Talk to them. Rajan, what I want you to narrate today's time, Sapna, you also, and Anand ji, aap bhi, ki जो प्रोसेस है पूरा प्रोसेस ऑफ वर्किंग पैटर्न जो आज का है टेलीविजन के लिए क्योंकि यहाँ बहुत सारे प्रोड्यूसर्स भी हैं हाउ डू यू टेक द एंटायर थिंग एक कॉन्सेप्ट आपके पास आया हाउ डू यू नरेट इट टू द आप एक्टर्स को कैसे हैंडल करते हो सेट पे कैसे होता है एक छोटा सा ब्रीफ में व्यू थ्री कैन नरेट इट टू आवर ऑडियंस आवर पीपल टू अंडरस्टैंड बिकॉज क्या टेलीविजन इतना बड़ा हो गया ना इतना वाइड हो गया ना कि लोगों को समझ में नहीं आता कि शुरू कैसे करें कहाँ जाए क्या करें क्या नहीं करें Technically, also, that is forget about channels, kya karte hain, ya how do they treat and all that. For me, in today's show, that is not important. For me, in today's show, is important how does a person who wants to get into television industry becomes a Rajan Shahi, becomes a Kundan Shah, becomes a Raman Kumar, becomes a Pankaj Parashar, Manjul Sinha, Ravi Rai, Sapna Vaghmare, and Arvind Babbal, and Satish Shah. How do you get into it and see to it, बाद में क्या होता है क्या नहीं होता कितने छोटे लेवल पे यू नो इन शॉर्ट इफ यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंसेस एज मेकर्स एज क्रिएटर्स आई थिंक दैट विल बी मोर इम्पोर्टेंट देन ऑल ऑफ अस विल गेट इन टू इट राजन जी सर आई थिंक टुडे इतने सारे लोग आ रहे हैं लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म लॉट ऑफ शोज आर बीइंग मेड आल्सो
फर्स्ट ऑफ ऑल जो व्हाट आई लर्न एंड व्हाट आई सी इतने सारे डायरेक्टर्स आते हैं एक्टर्स आते हैं बट वेरी फ्यू आर एबल टू मेक दैट मार्क आई थिंक जो मल्टी व्हेन यू एंटर द सेट व्हेन यू गो यू शुड अंडरस्टैंड द एंटायर थिंग कि भैया डायरेक्शन भी कैसे होता है यू गो द एक्स्ट्रा माइल जो हम सब ने करा एंड वी हैड गुड टीचर्स विद अस सो वी वेंट द एक्स्ट्रा माइल अंडरस्टूड एवरीथिंग क्योंकि टीवी में क्या है सर आप सुबह जाओ आठ असिस्टेंट्स होते हैं अच्छे होते हैं जैसे इन माई कंपनी प्रॉब्ली हैव 20 असिस्टेंट्स देयर टुडे शूटिंग एवरी डे तो सर एक जॉब खाली वो ड्रेस लिखना ना बिकॉज डेली सोप 600 अभी को वही करता रहेगा दो साल तो ग्रोथ नहीं होगी कुछ आप वही टीसीएस करते रहो दैट्स व्हाट आई वांट यू टू डिस्कस दिस दैट्स व्हाई आई वांट पीपल टू नो अबाउट इट एंड सर इट्स ब्यूटीफुल आई मैं कहता हूं 6 क्या 7 टाइम्स इन अ वीक शो मैंने आई थिंक 6 महीने अपने शो को 7 टाइम्स वीक चलाया दो शोज को एंड वेरी सक्सेसफुली विद 5 एपिसोड बैक हाउ डू यू मैनेज इट दैट्स व्हाट सो अ गुड टीम आई थिंक गुड टीम इज द फाउंडेशन फॉर अ गुड शो टुडे So, if the youngsters who come today, or actors or whatever, technicians, they have to study like what we did, you know. Aap padho, technology samjho. Today, technology shows are totally made on the editing table today with all your effects and GFX and all. Toh, jo beyond jayega na, sir. Bas subhere gaye, raat ko wapas aage, wo nahi hoga. You have to, like we used to do also, you know, go beyond, read about television, films, be on the set, get into every department. And then you can go ahead. And people spot you then. You see, we should, because we are doing a show on television, masterclass on television, we should not forget a name of a person who really got into it, a very young blood, who got into the television arena and she took television to a different level, that is Ekta Kapoor. Now, Ekta Kapoor took television to a different level. Now, what I'm trying to say is, why I'm taking her name is, ki ek puri daud shuru hui. एक पूरा टेलीविजन का चैनल टेलीविजन शोज की एक पहुंच जो एक अलग लेवल पर पहुंच गई बड़े बड़े सेट्स बड़े कैमरास बड़े इक्विपमेंट्स बड़े एक्टर्स धरा धूम डाक धूम चलने लगे नाउ मैं ये बोलना चाहता हूं वन सेकंड यू नो वी हैव टू सैल्यूट मिस्टर रमन बिकॉज ही स्टार्टेड दिस ट्रेंड टोटल मतलब करण जो मैंने किया था दैट वाज समथिंग द ट्रेंड ऑफ दिस डेली नॉट द डेली द ultra emotion the slap the daughter slapping the high drama sir thoda tha na kitna sir ek cheez jo maine because ravi ji was very selective about his work and in whatever but ek cheez jo maine sikhi thi track sharma se dekha tha tab hum generators aur bands dekhte jis par track sharma likha hota jo culture baad mein ekta ne kara ki matlab पूरे स्टूडियोज में क्या शूटिंग चल रही है ट्रैक से दबा ट्रैक से दबा ट्रैक से दबा ट्रैक से दबा छः छः सात सात शोज को आई थिंक एक टाइम पे आई थिंक टायर जी एंड ऑल चैनल वॉज तो वो मल्टीटास्किंग आई थिंक वी शुड लर्न दैट टुडे दैट इज व्हाट आई 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 वांटेड यू नो टू डिस्कस दैट बिकॉज बहुत बड़ा काम है ये मतलब आपके कम से कम 100 एक्टर्स आपके प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं 100 एक्टर्स देयर आर 100 असिस्टेंट्स देयर आर मोर देन 50 कैमरामैन एक बारात है मतलब ये मेला है अरविंद उस मेले में आप चीजों को चर्न आउट करके टेलीविजन पे लोगों को हुक करके रखते हो वो जो हुक करके रखने का टैलेंट जो है ना दैट इज व्हाट आई फील पीपल शुड बी अवेयर ऑफ इट बिकॉज ये खाने ये रोज बारात आ रही है सर रोज शादी हो रही है रोज लड़की विदाई हो रही है वो रोज का जो हंगामा है वो जो रोज का जो एटमोसफियर है हाउ डू यू मैनेज टू टेक यू नो दिस एंटायर यात्रा एक यात्रा है आई गेस वंस यू सेटल डाउन देन इट टेक्स इट्स ओन कोर्स वंस यू गेट इनटू द ग्रूव देन इट बिकम्स अ स्मूथ जर्नी व्हिच हैपेंस विद एवरी सीरियल व्हिच इज सक्सेसफुल आई गेस आपको एक दिशा मिल जाती है और वो दिशा पे फिर आप चलते रहो नाक की सीध में यू हैव टू बी जस्ट बी केयरफुल नॉट टू लूज द फोकस एग्जैक्टली वही दिशा दैट्स ऑल सी नंबर्स वर ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट या आपने सर आपने एकता कपूर की बात की मैंने एकता कपूर के साथ उस दौर में काम किया जब उसकी 18 सीरियल होने थी और मैंने उस लड़की को देखा है शी इज व्हाट शी इज बिकॉज ऑफ हर टैलेंट कोई लक वर्क फैक्टर में मानती नहीं हूँ क्योंकि सर 18 सीरियल उस वक्त 4 टाइम्स अ वीक था हर सीरियल हर एपिसोड का स्क्रीन प्ले उसे पता था हर एपिसोड का कास्टिंग उसे पता रहता था हर एपिसोड की लोकेशंस पता रहती थी उसका ब्रीफ होता था सडनली शी वुड वॉच एपिसोड ये रेड कर्टन क्यों है मैंने यहाँ पर्पल बोला था ये 18 4 52 एपिसोड्स अ मंथ शी वाज हैंडलिंग प्लस वो जो लाइंस बोलती थी मैंने वो लाइन बोली थी वो ऐड नहीं हुई सो आई थिंक ये उसके पास भी 24 घंटे ही थे तो इसके बाद हमें मैंने तो अपने आप को बोल दिया मुझे क्रिप करने का कोई हक ही नहीं है मेरे पास टाइम नहीं है मैं सब कर सकती हूँ एक सीरियल में तो मैं कर ही सकती हूँ अगर वो 18 में कर सकती है
जब हमारे सीनियर सब करते थे तो उनके सामने अलग लक्ष्य थे, एक एपिसोड हफ्ते में जाता था, हमारे सामने 7 एपिसोड का लक्ष्य है और स्थितियां फिर 7 एपिसोड वाली बन जाती हैं। आपने बोला मेला लगता है तो पहले मेले में 2 झूले लगते थे, अभी 10 झूले लगते हैं, 10 झूले के लिए 10 झूले वाले होते हैं, वो चलाते हैं, उसमें 2 झूले कई बार खराब हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है और हमको बिल्कुल भी कोई तकलीफ नहीं है। आज जिन स्थितियों में काम हो रहा है, मैं अपना काम, अभी मैं ये बहुत बड़ा, ये अपने आप में बहुत बड़ा टैलेंट है जी। What I'm trying to say, it's a talent by itself to handle such a big, अगर सिलेबस थोड़ा टफ हो जाएगा तो क्या सब लोग फेल होंगे? नहीं, सीधी सी बात है, ये है कि काम बहुत ज्यादा है और उसी हिसाब से हम लोग अपने को ट्यून करते हैं। सर, मैं मानती हूं किसी भी कला में 8 सीन 9 सीन करने हैं तो ठीक है, करने हैं बस। और हम, मुझे ये अच्छा लगता है कि मैं कम समय में मैंने बहुत अच्छा काम किया। मैं, हो सकता है मैं उसको उस उतनी अच्छी नींद ना आए मुझे कि यार मैं ये कर सकता था, वो कर सकता था, लेकिन दिए गए समय में मैंने बेस्ट पॉसिबल काम किया। मैं इस संतोष के साथ सोता हूँ आराम से और मुझे बहुत अच्छा लगता है। राजन ऑल्सो सेड वेरी राइटली थिंग व्हिच वी यू How better team you can create. That is the success of the today's television. Always television has been a teamwork. I personally believe. I think Rajan has created some of the best directors. Even a movie. If you don't have a teamwork of actors around you, like I'll give an example of Sarabhai versus Sarabhai. I mean, we are like a family. ये जो 12 साल का gap हुआ बीच में, उसमें वो gap television पे पड़ा। हम लोग तो मिलते रहते थे। हंसी मजाक सब चलता था, इसलिए कई लोगों ने, इंक्लूडिंग यू रमन, उसे कि 12 साल बाद आप लोग आए और ऐसा लग रहा है पिछले महीने शूटिंग खत्म ही और इस साल इस महीने में जैसे नेक्स्ट एपिसोड देख रहा हूँ। मैंने पहला एपिसोड देख के इसको फोन किया, मैंने कहा ऐसा लगता है जैसे कल एपिसोड देखा, आज नेक्स्ट एपिसोड देख रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ेगा तुम लोगों में। बल्कि ये जो आप कह रहे थे वो ऐसे बात ऐसी है ना कि आज हमारे बच्चे जितना इजीली कंप्यूटर करते हैं वैसे हम नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग उस दौर के जो बाद में पैदा हुए, आपके लिए जो डेली सोप है वही शुरुआत है और हमारे लिए वो और डेली सोप का चलन शुरू हुआ। मेरा भी मन था कि मैं वीकली सोप करूं, कौन मदद नारी करेगा, लेकिन मैं 6 महीने खाली बैठा रहा, ये सोच के कोई वीकली आए लेकिन वो ट्रेंड ही नहीं है ना, जब उसका वो है ही नहीं है। और सर 2 साल मैं घर पे बैठा रहा, आफ्टर वीकली के डेली मैं करूंगा ही नहीं, एंड देन मैं फर्स्ट डेली को जैसे जैसे कोई आज तक मैं घर बैठा हूं, मैं डेली नहीं। इतना कन्विंस किया सर को ऐसा होगा, बट डेली है, बट सर नो प्रॉब्लम, आई मैनेज इट अलोन। बट ही वाज अ लिटिल, मैं आपको बताऊं, बहुत कन्विंस किया, वाज ऑल इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ये वो मेरे पास आया, ये विचार, he want, I liked him because I had met him in some wedding out of Mumbai and then he came to me, I liked him, इनके सब्जेक्ट भी मुझे अच्छा लगा, मगर वो मैंने जो जो शर्तें रखी सब चैनल ने मान ली, इसलिए मुझे शक मैंने कहा कुछ दाल में काला है कि चैनल वाले बोलते हाँ हाँ अभी हाँ बच्चू तू साइन तो कर फिर हम तुझे देख लें। तो मैंने कहा ये जरा गड़बड़ वाला है, इसलिए फिर मैंने सतीश आई वॉन्ट टू शेयर वन थिंग जी, ये जो जिंदगी पे हम जाते हैं वापस, बिकॉज आई फील दैट्स द कल्ट शो ऑन द हिस्ट्री ऑफ टेलीविजन। एक्टर शफी नामदा, सरू संपत, सतीश शाह एक एक्टर उसमें, कुंदन एंड मंजुल क्रिएटेड हिज कैरेक्टर। एवरी एपिसोड यू प्लेड आई थिंक मोर देन 65 कैरेक्टर्स एवरी एपिसोड, डिफरेंट कैरेक्टर। आई वॉन्ट यू द एक्टर सिटिंग हियर टू नो, how did you manage it and how directors, of course writers, scripts are put, but as an actor, let me tell you one thing, but as an actor, when this was, I finally convinced Kundan about this, that he will do the different roles in the episode, then I went to him and he chickened up, main kaise karega, main kaha tumko dunga language, dunga get up, dunga sab milega tumko, there was one episode, but we knew in our heart that he can do it, only he can do it. There was one episode where he played a character, some mechanic or something, and he uses dialogue, talent 30 years talent 30 years experience. I said, yeah Satish, kya character la rahe, bahut acha bol. 3-4 days later in the FTI canteen, one guy came on a bike, fight master from Bombay. Talent, 30 years, that's a silly actor. Why is the dick like that? Who was that? Pankaj, he told me that and I told Sharaji. Sharaji then wrote that line.
We copied him totally. Satish Sharma, an observation everybody should know that Satish is one actor. इसको अगर बोलो ना कि तुमने यहाँ जाना और ये काम करना और तुम वापस आ जाना तो ही इज विल बी वेरी मीडियोकर. इसको बोलो तू गुजराती है और ये वहाँ जाएगा और तू ये काम करेगा, फिर उसको बोलो नहीं तो ही विल बी वेरी गुड. फिर उसको बोलो तू काठियावाड़ का गुजराती है, ही विल बी मच बेटर. फिर उसको बोलो तू काठियावाड़ का गुजराती है लेकिन 60 साल की उम्र तेरी, फिर ही विल बी ऑल बेटर. फिर उसको बोलो तू काठियावाड़ का गुजराती है, तेरी 60 साल की उम्र है लेकिन तेरा डिवोर्स हो चुका है और तू जो है वहां पर, तो ही विल बी मच बेटर. इसको जितना प्रिसाइज करते जाओगे ये उतना ही निखर बच रहा है. थैंक गॉड यू सेइंग दैट. नॉट फैक्ट है, ये फैक्ट है. इसको मैंने चैलेंज किया स्ट्रेट रोल नहीं कर सकता है, बोला करके दिखा. आप लिखो मेरे लिए स्ट्रेट रोल. इसी दैट वाज द वर्स्ट एपिसोड वी डिड विद हिम. इसके सवाल का मैं जवाब दूंगा कि कैसे किया. चक्कर ये था कि आई हैव बीन अ वेरी गुड ऑब्जर्वर विच आई डिड नॉट नो माई सेल्फ. मगर कोई चीज मुझे किसी की समझ में आ जाए तो फिर वो मैं बराबर ऑब्जर्व करके उसको रिटेन करता था. तो राइट फ्रॉम माई स्कूल डेज, कॉलेज डेज एंड इवन एफ टी आई, इतने इतने कैरेक्टर, मुख्तलिफ कैरेक्टर्स मैंने देखे हैं. दोस्त कुछ ऐसे जिनका बोलने का तरीका ये वो सब कहीं दिमाग के किसी कोने में पीछे था. तो जब ये जो जिंदगी बना तो मेरे लिए वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया लाइक अ वर्कशॉप कि यार इसमें ये करें, इसमें वो करें. कई बार ये होता था कि स्क्रिप्ट पीक होती थी और हम लोग उसको गैग लेवल पे निकाल देते. बाय द 10th एपिसोड सतीश टुक ओवर. जी जी, आई डिडंट टेक ओवर, यू ऑल वर देयर, बट नेवरदेस आई वाज एक्सपेरिमेंटिंग. तो ये जो कैंटीन में कुछ लोगों को देखा था, मेरा एक दोस्त हुआ करता था, आप सब जानते होंगे, कलवा. ही वाज द ओनली स्टंट मोटरसाइकिल स्टंटमैन दोस डेज. आप सीनियर्स को पता होगा उसकी ये स्टाइल थी बात करने की. अरे यार, और पता नहीं कहां से जुमला ले आया था, 30 years का एक्सपीरियंस. मैंने कहा ये अच्छा कैरेक्टर है. तो एक बार ये को जो बलवा वस्ता, अगर मैंने नाम भी अच्छा मैंने छुपाया भी नहीं, वो कलवा था तो मैं बलवा हो गया. फिर मैंने उसके जैसे ही विग बनाई, मोटरसाइकिल ली, जाके सब लग जाएगी ये वही है. और वो एक जमाने में बड़ा ही मारते खान, तुरम खान थे, दादा टाइप के थे. और जब ये सीरियल आया, जब ये एपिसोड आया, उसके 8 दिन बाद उसका फोन आया, मुझे बोलता बहुत नलायक आदमी है, किसी का पर्सनल लाइफ में ऐसा मजाक नहीं कर रहे. क्योंकि वो जितने भी जो उनके मुरीद थे वो सब क्या करो देवी आप, वो क्या किए सतीश भाई. ऐसे कैरेक्टर्स मेरे दिमाग में आते रहे. फिर एक और मुझे पता है, वो कुछ बॉस होता है जिसको नौटंकी का शौक होता है बॉस सीईओ है, मगर उसे नौटंकी का शौक है. तो बोले चलो, स्क्रिप्ट कुछ खास नहीं थी मेरे ख्याल से, आप कर रहे थे ना वो डायरेक्शन, क्या करें क्या करें, स्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ डायरेक्शन की. तो बोले क्या करें, कुछ ऐसा कुछ करते हैं. तो मैंने कहा नौटंकी है तो लेट्स यूज दैट. जैसे जाओ हमारे लिए एक कप चाय लाओ, उस लेवल पे उसे निकाल दिया. अपनी शक्ल कभी आईने में देखिए. इस कसम की गैग्स पे भी हम निकाल देते थे क्योंकि एक बात है शुदा है, आप लोगों ने हजारों सीरियल बनाई है, आई मीन डेली शोज बनाए, एक आधा तो वीक बन ही जाता है, मगर वो ढक जाता है, छुप जाता है आपके रेपुटेशन पे, आपके अर्लियर एपिसोड्स पे, आपके आने वाले एपिसोड्स को कवर अप कर लेते हैं. तो इस तरह ये जो जिंदगी में भी जब उसकी बात निकली है तो कुछ एपिसोड काफी वीक थे, उसे हम गैग लेवल्स में निकाल देते थे. आई रिमेंबर इन वन ऑफ माय शोज फिल्मी चक्कर, एक एक्टर था रजाक खान, आपने लिखा होगा उसको, उसका एक कैरेक्टर था, उसको समझ में नहीं आ रहा था, उसके भाई का रोल प्ले करना था. तो मैंने सतीश को बोला, सतीश जरा इसको समझा दे यार, कुछ करके दिखा. ऐसा समझा कि वो मरे तक उसमें से उभरा ही नहीं. इनफैक्ट उसका उदय वहीं से हुआ, वही पे कर रहा, इतना अच्छा था कि उसका उदय वहीं से हुआ. रवि आपके पॉजेस, आपके पॉजेस के बारे में कुछ जिक्र. सर मैं पॉजेस के बारे में क्या बताऊं, आपके पॉज और वो जो तीर चलते थे रामायण में. कुंदन प्लीज शेयर सम जाने भी दो यार. एक्सटेंड ऑन हिज कैरेक्टर, आई वाज इन फाइनल ईयर एफटीआई, डिप्लोमा फिल्म कर रहा था. तो
उसमें इनके लिए रोल था। हाँ, तुमने वो रोल बाद में श्रीदेवी को दे दिया। इज नॉट वेरी रॉन्ग। तो इनको इनको समझाया मैंने कि एक पागल है जो पागलखाने से भाग जाता है और घूमता रहता है बंगले में किसी के। तो बोले अच्छा ठीक है, तो क्या है उसमें, क्यों पागल क्यों होता है? सिर्फ उस पर एक्सपेरिमेंट होता है कि म्यूजिक से पागल का ब्रेन जरा ठंडा हो जाए, ठीक हो जाए। दैट वाज हिज डिप्लोमा फिल्म। डिप्लोमा फिल्म इंस्टीट्यूट में जब फाइनल ईयर हमारा था, अगले दिन शाहजहा 12 बजे रात को नॉक करे हॉस्टल कमरे में। मेरे को आइडिया आया यार, अगर कहीं म्यूजिक म्यूजिक ड्रम बज रहा बंगले में तो मेरा रिएक्शन होगा उसमें। अच्छा क्या रिएक्शन होगा? तो यू डिड अ डेडली डांस इन द कॉरिडोर, सो आई इंक्लूडेड दैट इन द फिल्म विच इन चालबाज आई यूज दैट ऑन श्रीदेवी, द तांडव दैट शी डज। So that is thanks to Sasha. Kundan, Jani Vidya, I think this show, this masterclass cannot end. Highlight थी वो महाभारत सीन, तो वो अभी क्योंकि आपने रंजीत जी का जिक्र किया मैं भी इस पे आऊंगा। तो अभी वो क्लाइमेक्स लिखना बाकी था वो महाभारत का, और रंजीत बिजी हो गए थे। करेक्ट बात है, जो ऋषि कपूर ने नहीं, पूरी इंडस्ट्री ने रंजीत कपूर को साइन किया हुआ था, पूरा रमेश सिप्पी ये वो सब लोगों ने उनको, तो बहुत बिजी हो गए थे जंगल लिखते समय। एंड में वो वक्त नहीं बचा था, तो कैसे भी मैं सतीश कौशिक के साथ बैठता था, लेकिन कौशिक बोलते थे नहीं रंजीत आएंगे तब साथ में लिखेंगे, और ये क्लाइमैक्स बाकी रह गया था। तो एक दिन कैसे भी मुलाकात हुई ये, और फिर मैंने बोला रंजीत ये पूरा क्लाइमैक्स लिखना है, बोला बहुत ईजी है बहुत ईजी है। उन्होंने बोला देखो वो जो रास्ते में किताबें मिलती है द्रौपदी चीरवरण 2.5 रुपये की, वो तुम ले आओ, वो पूरा उसमें पूरा एपिसोड होता है द्रौपदी चीरवरण का, वो हम ले लेंगे और वहाँ से करेंगे। तो वो सारा वो लिटरली वो 4 दिन में के अंदर हम लोगों ने क्लाइमेक्स लिख दिया, वो जो सारे डायलॉग्स भी वहाँ से हैं, गदाधारी बेम ये वो जो भी है वो पूरा वहाँ, क्योंकि उनका नॉलेज था, गॉड वाज विद अस, क्योंकि वो रंजीत नहीं होते थे तो मेरा शायद वो क्लाइमेक्स अलग लिखा जाता, लेकिन उनका दिमाग में उन्होंने बहुत ऐसा नहीं कहा कि बहुत मुश्किल है ये है, वो आया किताब वो जो पूरा प्ले वहाँ से लिया, 2.5 रुपये की किताब थी, और फिर उसको अडेप्ट करते हुए हम लोगों ने वो बना दिया। You know, I was talking to Naseer about Jaane Bhi Do Yaar. He said, "Wo ban gayi." But he said, one performance is outstanding is Satish Shah's dead body. He said, even when he's dead, he's still interested, he's still looking at the camera. I was going to come to that. मुझे बड़ी मायूसी, एक तो कुंदन शाह मेरे इंस्टीट्यूट का, हम साथ में पास आउट, हालांकि मुझसे एक साल सीनियर थे, मैं डायरेक्शन कोर्स 3 साल का था, और जब मैंने देखा, आज सच बोलता हूँ, जाने देव यारों की टीम में ज्यादातर सब एनएसडी वाले भरे हुए, मैंने कहा ये क्या चक्कर है, राइटर भी एनएसडी का, ये भी है, ये दिल्ली का, उन्हीं का, और फिर देखा तो मेरा रोल कुछ देर तक तो ठीक था, फिर मैं मर जाता हूँ और ये सतीश कौशिक और ये और वो बोले जा रहे फिल्म भर में, जैसे आपने देखा, मतलब ये क्या चक्कर है। मैंने इसे कंप्लेन भी की, व्हाट इज दिस कुंदन यार, यू मेक मी डाई इन द थर्ड रीड, रोल ही ऐसा है क्या, ठीक है मरता क्या ना करता, काम धंधा तो था नहीं अपने पास। तो मैंने कहा, फिर मैंने कुंदन को, मैंने कहा किसी तरह तो बढ़ाना चाहिए, मतलब कुंदन एक काम करते, मैं मर तो चुका हूँ बट माई प्रेजेंस इज देयर ऑल द टाइम इन एवरी सीन, तो एक मुझे एक लिबर्टी दे कि आई विल हैव द एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द सीन। नहीं यार वो बहुत भड़कू है, नहीं 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 रिपोर्ट देख, तू स्कूप बना रहा है ना, रिगर मॉर्टिस पे तुम प्ले कर रहे हो, रिगर मॉर्टिस तो 3 दिन बाद बास आने लगती, वो तो तुम दिखा नहीं रहे, सो दैट मींस यू आर टेकिंग सर्टेन लिबर्टी, सो लेट मी टेक दिस लिबर्टी। सो समहाउ कुंदन गॉट कन्विंस्ड, एंड दैट्स हाउ देन आई डिसाइडेड कि चलो मे एज वेल एंजॉय इट व्हेन यू कांट डू एनीथिंग। मेरे आस पास सब जोक्स मार रहे हैं, यहाँ तक कि ओम पुरी को मैं जोक सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मुर्दा बैठा हुआ हूँ कॉफिन में, उसमें जो एक पर्टिकुलर वो ये है कि डेडली ड्रंक वॉज माई लाइन टू हिम, इस तरह मैं अपनी भड़ास निकाल रहा था, तो वो देखता है ये क्या है, ओए प्लस स्पोर्ट्स मॉडल बोल, स्पोर्ट्स मॉडल सब मैं दे रहा था उसको, क्योंकि आई कुडंट पार्टिसिपेट। तो मैंने कहा इतना तो मुझे करने दो कि भाई जैसा सीन है वैसा मैं मूड बनाऊं, तो आप अगर बारीकी से अगर फिर से देखने की जरूरत करें तो वो जब ऊपर से देखते हैं महाभारत वाले सीन में कि नीचे क्या चल रहा है, तो मैं भी डरा हुआ हूँ, देखेंगे तो नहीं नीचे यहाँ। एंड देन जब मैं द्रौपदी बन के आता हूँ, तो एक तो ऐसे भी मैं लंबा चौड़ा हूँ, ऊपर से मुझे इन्होंने स्केट्स पहनाए थे तो 3.5 इंच हाइट और बढ़ गई थी, एंड समबडी इवन कमेंटेड कि ये बिल्कुल आशा सचदेव लगता है, बट एनीवे दैट्स अनदर थिंग। एंड उसमें भी फिर मैं एकदम कॉय बन गया था जब मुझे
घूंघट उड़ाया था, आई हैड वेरी कॉय लुक्स, सो इट वर्क समहाउ, बट इन शॉर्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज आई एंजॉयड एवरी बिट ऑफ इट. और भी एक बात है, लोग मेरे पास अभी आके पूछते मगर सर वो आपने कैसे मेंटेन किया वो एक पोज जो होता है, एक आदमी जो मर जाता है एक पोजिशन में अकड़ जाता है, वो आपने पूरी पिक्चर में थ्रू आउट कैसे किया? तो मैं बताऊँ हाँ हाँ वो डिफिकल्ट था एक्चुअली, ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं सिर्फ याद रखता था कि मैं किस पोज में था लास्ट टाइम, और फिर यहाँ वहाँ घूम फिर के जब वो शॉट ले देते फिर से वो पोज में आ जाता, इट वॉज एज सिंपल एज दैट. तो समटाइम्स द थिंग्स विच लुक कमाल की थी वो बहुत आसान होती है. तब एक क्रिटिक बहुत बड़े फिल्मफेयर में लिखते थे, उन्होंने ट्रिब्यूट दिया था It's the liveliest corpse I've seen. Liveliest corpse and Satish are better dead than alive. That is what was said. Ashokji, this is very unique because I don't think aaj ki date mein television mein aisa kabhi hota hoga. I want to give some experience when I was assistant Ravi ke saath. Ravi ji ka style kya tha ki ye ek to set pe aake kabhi script acha acha bolna hai. Bas style tha ki he used to come on the set at 11:30 the show he was producing. Salaam. और सेट पे आके वो थोड़ा बस शॉट बता दिया और जनरल लाइटिंग कलर यानी सो राइट द सीन ऑन द सेट. डिफिकल्ट शॉट बता था कैमरा डिफिकल्ट शॉट कि टाइम लगे तो प्रॉब्लम क्या होती थी सी एट दैट टाइम सब उसको सारा टेली में ही बोलता था उसको लाइट बूस्ट करने में और वन शॉट होते थे ना सतीश तो उसको कोरियोग्राफ करता था ये इधर उतरेगी जाएगी ये होगा वो होगा यहाँ से ट्रॉली जाएगी उसको डेढ़ घंटा लगता था तब तक मैं दो सीन लिख लेता था. बट सर इंटरेस्टिंग का एक इंसिडेंट बताता हूँ दैट जैसे अनुजी भी आनंद हम सब संदीप और सर के पीछे चार दिन पहले थे सर सीन तो शेड्यूल है हमारा चार दिन में क्या सीन होगा क्या लोकेशन होगा एक्टर्स कौन होंगे बताओ तो सही फिर लिखते थे एंड आई थिंक दो दिन शूटिंग से पहले एक लाइनअप आता था छह एपिसोड का ये साइड फॉर दैट टाइम वी शुड डू शेड्यूलिंग आवरसेल्फ्स प्रोडक्शन आल्सो प्लानिंग एवरीथिंग आवरसेल्फ्स ओनली तो दो दिन बैठ के हैज टू शेड्यूल एवरीथिंग टॉक टू रेणुका शाना जी सचिन एवरीबडी रोनी जी एंड शी वॉज वेरी पर्टिकुलर कि ये दिन है ये टाइम है बताओ सब कुछ करने के बाद शूटिंग के मॉर्निंग में सर बोलते चलो चार एपिसोड मैंने लिख दिए हम लोग अभी लेके भी आ गए सर पूरा रिवर्स एक्टर्स का डिफरेंट लोकेशंस एवरीथिंग एंड एवरीथिंग यूज्ड टू चेंज बट इतना एफर्टलेसली वो हो जाता था ना आई थिंक वी यूज्ड टू शूट प्रॉब्ली 6 आवर्स ओनली इन अ डे ऑफ अ शिफ्ट कंप्लीट अ एंटायर शेड्यूल नॉट बिकॉज ऑफ द पॉजेस बट ऑल्सो बिकॉज इट वाज एफर्टलेस शूटिंग एक्चुअली यू आर इन द ग्रूव देयर या एंड आई रिमेंबर यू वर इन द ग्रूव क्या होता था सतीश जी ऑन अ सीरियस नोट एक तो मैं सेट पे आता था तो रेणुका बहुत पर्टिकुलर थी 9 बजे सीन क्या है क्या है क्या नहीं मैं 11:30 मैं उसके बाद होता ये था कि बोथ दी एक्टर्स वर वेरी ब्रिलियंट सचिन और वो इतने ब्रिलियंट मेरे वन शॉट्स होते थे 6 मिनट का 7 मिनट का वन शॉट तो मुझसे होता ही नहीं था कट करना बाय द टाइम वी वर 6:30-7 बजे हम लोग कुछ 18-20 मिनट शूट कर चुके होते थे और एक्टर्स आके बोलते थे थक गए बिकॉज इमोशनल सीन होते थे तो हम लोग पैकअप कर देते थे 6:30-7 बजे 18 मिनट अगर एक दिन में आपने निकाले उस टाइम आनंद राय और हम सबका ऐसे खून जलाते थे सर सेट पे आए 11:30 बजे यूनिट से पूछा अच्छा क्या है आज मैच है इंडिया पाकिस्तान का चलो हॉलिडे सारी यूनिट सर इस पे मैं मेरा बोलना बहुत जरूरी है आनंद राय के बारे में मैंने एक शो प्रोड्यूस किया हीरोइन इसमें रवि राय ने एक शो डायरेक्ट किया एक फिल्म डायरेक्ट की आनंद राय ने एक फिल्म डायरेक्ट की ये दोनों भाई कमाल है मतलब हम स्टूडेंट्स हैं कुंदन शाह मंजुल सिन्हा की जहां पर आराम कुर्सी पे बैठना अलाउड ही नहीं था बिल्कुल नहीं ये खुद भी नहीं बैठते थे हमको भी नहीं अलाउ करते थे तो मैंने फोन किया अपने प्रोडक्शन वाले को मैंने कैसा चल रहा है शूट नहीं तुम आए सेट पे ना नहीं नहीं शूट किया बोला सर शूटिंग चल रही है अब वो उसको रवि राय ने पटाखे रख लिया था बहुत बदमाश है ये दोनों भाई बहुत बदमाश है तो पटाखे हाथ से बोल देना अशोक का फोन आएगा बोला शूटिंग चल रही है ठीक है मैं पहुंच गया सेट पे ऐसे कुछ काम धंधा चला गया मैंने कहा रवि को ढूंढ रहा हूँ मैं राइटिंग हूँ रवि कहाँ है रवि सर ये कोने में जाकर कमरे में सोया हुआ है तो इट वॉज अ कल्चरल शॉक टू मी मैंने कहा ये तो यार दोस्त को धोखा दे रहा है शूटिंग हो रही है सो रहा है ये रवि राय फिर उठा हाँ चलो ठीक है काम जो भी कुछ करना है बस गया था मैं दे दिया था इसको करने के लिए मेरे पास उतना चारा नहीं था कट टू आनंद राय दूसरा शूट कर रहा है मैंने फोन किया सर आनंद कैसा रहा है बढ़िया चल रहा है मेरा आनंद का है थोड़ा सा क्रिकेट खेल रहा है मैंने कहा मेरा प्रोड्यूसर का वो जो खून है जाग गया मैंने कहा सर हम पैसे खर्च के शूट क्रिकेट कर रहे हैं तो मैं पहुंच गया सेट पे मड आइलैंड यहाँ से उन दिनों मेट्रो नहीं बन रही थी ट्रैफिक नहीं था
तो मैंने कहा आनंद तू क्रिकेट खेल रहा है, ये नहीं कहा क्रिकेट खेल रहा हूँ। अब आनंद को पता नहीं था कि मुझे पता चल गया। नहीं नहीं, तो बीच में लंच में क्रिकेट खेल रहा था, 6 घंटे 8 घंटे की शूटिंग में 3 घंटा ये सोता और 3 घंटा वो क्रिकेट खेलता है। की जो बात है, आप सुनोगे तो गिर जाओगे। पंकज नुक्कड़ की शूटिंग चल रही है, संजय चल अजीज साहब आ गए, सही जी आ गए, कुंदन चलो सेट में, सुधीर मिश्रा, स्क्रिप्ट नहीं आई है जैसा कह रहे, स्क्रिप्ट आई नहीं अभी तक, और एक्टर्स आ गए, 50 एक्टर्स थे उसमें, एक होता तो समझ में आता, 3 होते, 50 एक्टर्स रोज स्कूटर में आके पहुंच जाते थे। वो इसलिए आते थे क्योंकि वहां पर ताश खेलने के लिए एक अलग कमरा था, तो सुबह सुबह ताश खेलने आया, दिलीप जवान सब जितने भी लोग थे। संजय चल आ रहा अपने स्कूटर पे नमरेटा में, मैंने कहा जल्दी ला स्क्रिप्ट ला यार, एक्टर्स को देनी है, एक्टर्स बैंड बजा रहे हैं, किसीन दो सीन दो, अजीज चिल्ला रहा है, सुधीर चिल्ला रहा है, कुंदन जी चिल्ला रहे हैं। अब संजय छेल ऐसे बैठा हुआ कुर्सी पे, सर स्क्रिप्ट रेडी है, और मैं संजय छेल के पीछे हूँ, सामने अजीज बैठा हुआ है, अजीज जी बैठे हुए हैं, सुधीर बैठा हुआ है, अजीज जी सुन रहे हैं, कुंदन भी सुन रहा है। बिलीव मी, संजय छेल ने पूरी स्क्रिप्ट सुनाई उसने, संजय छेल ने पूरी स्क्रिप्ट सुनाई, एम्प्टी पेजेस, एक भी लाइन जो है वो लिखा हुआ नहीं। उसने पूरा चलो जल्द शूटिंग करता है, उठो उठो। मैं संजय को बगल में ले गया, मैंने कहा संजय जूते मारूंगा तेरे को मैं, क्योंकि तू तो पक्के निकल गया, अब जो डायरेक्टर और एक्टर जो मेरी बैंड में जाएंगे उसका क्या होगा। बोला नहीं कुछ तैयारी में देता हूँ। एक एक पन्ना उसने लिखा पंकज, एंड ही रोट द एंटायर स्क्रिप्ट। सो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट अ राइटर, दिस इज व्हाट राइटर्स मैजिक। मैंने शरद जोशी जी, मनोज शाम जी, आई थिंक राइटर्स हैव इवन फिल्म डायरेक्टर टू राइट। नहीं पर देखो अशोक, उसमें एक चीज क्या है कि आज हम वो सारी चीजें व्हाट एवर वी आर टॉकिंग अबाउट, क्रिकेट खेल रहे थे या ये हुआ या ये हुआ या संजय, डिस्पाइट ऑफ दैट वी मेड प्रोडक्ट्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे, यस, है ना। अगर हम वो नहीं दे पाते तो आज इन्हीं चीजों पे शर्मिंदगी हो रही होती, राइट, यू नो, कि वन ऑफ द रीजंस वी यहां पे देखो ना, रवि राजा हिमसेल्फ अ राइटर, अरविंद हिमसेल्फ अ राइटर, सपना जी हरसेल्फ अ राइटर। सो राइटर्स, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि राइटर्स became so important in television. Some actors also wrote. Actors, of course, of course. Many actors तो वही वो writers. बाकी देखो, मैं जो अभी we were discussing about today's television and that. आज भी अशोक successful shows हैं. Content हमेशा variable था. हम लोग अगर पिछले time की बात करते हैं, हम लोग 5 शो गिनवाते हैं लोगों को कि भाई ये जो है जिंदगी बुनियाद, हम लोग ये. But in the last 25, whatever 30 years of दूरदर्शन, there must have been shows which were bad. Why do we? But Ravi, why do we only end up talking 6-7 shows? No, that's it. In films also, sir. No, no, also, exactly. So content has always been variable in times. Yeah. But to, it running. Nobody is right. You see, what he's saying is very important. If you talk, content has always been good and bad in times to come. Let us take a name when we are doing television then and now. There is a name called B.P. Singh, which 25 years the man was then also, the man is now also. Yeah. You know? I'll tell you, Ravi. Now, Ravi ne B.P. Singh ji ke baare mein kaha. B.P. Singh is the president of FITRA. I don't know whether you are aware of this. If, you know, he really deserves to be clapped and waited. B.P. Singh ne ek episode kiya, sir, CID ka. Jo 2.5 ghante ka episode tha, it was a film. And look at his talent. B.P. Singh ne wo 2.5 ghante ka episode one shot mein kiya. He one camera, one shot, 2.5 hours episode, shot in Lonavala in a bungalow. Aur aisa bhi nahi kiya. Ek drawing room tha. Hotel ke bahar se character aa raha, andar aa raha. There were 25 to 30 characters in that entire location, from first floor to second floor to third floor, to exterior to night. सुबह शुरू होता है एपिसोड रात को खत्म होता है। एक कैमरा 2.5 hours एपिसोड जो है, FIR ran for 11 years. It's a baby and I laughed every day. So the moment I say ki hum ye nahi kar sakte, that means I am saying I am incapable
of being a competent man in today's television. If that man, आज भाभी जी घर पे हैं is you know everybody बिल्कुल कि वो शो है लोग रात को 3:30 बजे my wife is glued to that show at 3:30 in the morning. People talk about television कि आज बहुत खराब टेलीविजन होता है बिल्कुल खराब नहीं होता कहता उस समय 2 चैनल थे 8 शो बनते थे 3 अच्छे थे 5 खराब थे आज 200 शो बनते हैं 5 अच्छे हैं 195 खराब है तो सवाल ये 5 तब भी अच्छे थे 5 आज भी अच्छे हैं और 5 कल भी 5 ही अच्छे रहेंगे आप जी अच्छा दौर है सर रमन रमन ये है कि जब आप लोग काम करते थे तो टेलीविजन अभी भी काम करते थे मतलब टेलीविजन शहरों में होता था छोटे शहरों में होता था गांव में नहीं होता था तो हम लोग जो कंटेंट बनता था वो शिक्षित लोगों के लिए मिडिल क्लास के लिए बनता था 100% लेकिन आज जो हमारे लिए चुनौती है हमको ऐसे गांव में रहने वाले लोगों को भी ध्यान में रख के कंटेंट को चुनना पड़ता है हमने 4th एपिसोड ऑफ तारा में अपना लोकनाथ और नूनी निशान में किस भी शायद की थी लिप टू लिप 4th एपिसोड ऑफ तारा कोई वो पॉसिबल नहीं है अभी क्योंकि ऑडियंस बदल गई उस समय जो जी की ऑडियंस थी वो बांद्रा के बाद थी नहीं अर्बन ऑडियंस थी तो किसी ने कुछ नहीं कहा जी हमने हमने खुद ही रुक गए उसके बाद कभी नहीं किया खुद ही परेशान हो गए उस बात से नहीं अभी तो लेकिन किया ये मुझे बात सॉरी इंटरप्ट की बात करनी जो लोग बोलते हैं ना सम ऑफ कोर्स एवरीबॉडी हैज अ चॉइस अ कंटेंट दे वांट अग्रेसिव हो गया टेलीविजन अरे टेलीविजन सर लुक वेयर टेलीविजन हैज गॉन आवर रीच इज इन रूरल नाउ बार्क हैज गॉट इनरोड्स इन रूरल तो हम लोग आपके लिए जो शहर में बैठते हैं दे आर नॉट वॉचिंग टेलीविजन सो वी हैव टू मेक द कंज्यूमर फर्स्ट इट इज कंज्यूमर फर्स्ट मार्केट सो आर वी हैव टू मेक शोज आज अर्बन ऑडियंस आपके डिजिटल में है वो फॉरेन सीरीज देखते हैं सीजन देखते हैं तो हमारी मार्केट जो है वो रूरल की है आज के डेट में बार्क हैज गॉट इनरोड्स मेजोरिटी हमारे जो है रीच वो रूरल में है तो उनके लिए शोज बनते हैं सो आई डोंट फील इट इज रेग्रेसिव वी आर मार्केट इट्स एंटरटेनमेंट आफ्टर ऑल इट्स नॉट रेग्रेसिव एट ऑल टेलीविजन के बारे में एक बहुत अच्छा सेंटेंस है एक क्रिटिक का लिखा हुआ है कि योर बेस्ट ऑडियंस इज दोज हु क्रिटिसाइज द मोस्ट कल सर सबसे ज्यादा आपकी बुराई करती है वही आप बेस्ट ऑडियंस है क्योंकि रोज देखते हैं और रोज देखते हैं और रोज देखते हैं तभी तो कहते हैं अरे अच्छा उनकी प्रॉब्लम ये नहीं होती उनकी प्रॉब्लम ये होती है कि जो हीरोइन होती है उसके साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है तो वो क्रिटिसाइज वो नहीं करते कि बुरा क्यों हो रहा है क्रिटिसाइज करते यार उसके साथ बहुत ही बुरा बुरा होता रहता है यार कैसे कैसे करते रहते हैं यार उसकी अभी शादी करवा रही है यार इन्होंने क्या कर दिया वो परेशान यह है कि उस बिचारी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है लेकिन वो जानते हैं कि ये राइटर करवा रहे हैं ये डायरेक्टर करवा रहे हैं क्यों करवा रहे हैं उसके साथ ये तो दे आर क्रिटिसाइजिंग यू दैट हालांकि वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि उस बिचारी के साथ ऐसा ना हो कल सर मेरे बड़े भाई कवि हैं उनके एक मित्र का फोन आया वो भी कवि हैं बोले यार कल क्या कर रहे हो अरविंद मैं शाम को आता हूँ मैं कहा भाई साहब कल तो मेरा ऐसे एक कार्यक्रम है इफ्डा में मुझे जाना है बोलना है वो टीवी का ये है अरे टीवी का क्या यार वो तो भय से संचालित इंडस्ट्री है और वो वीरस के कवि हैं मैं कहा भय से संचालित मतलब वो TRP जो है ना TRP का भय होता है और भय से संचालित इंडस्ट्री में तुम कैसे कोई क्रिएटिव काम करते हो वहाँ जाना छोड़ो मैं कल शाम को आता हूँ अपन मिलते हैं अरे मैंने कहा नहीं भाई साहब जाना है उधर जाना है बुलाया तो जाना पड़ेगा इट इज बिकम वेरी डाइवर्सिफाइड नाउ द एंटरटेनमेंट बिकॉज योर फर्स्ट स्क्रीन विल बिकम द फोन इट विल प्रोबब्ली ऑलरेडी बिकम जो हमारे टाइम पे एक प्लेजर था ना यू गाइस विल नेवर हैव दैट ऑफ स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द रोड एंड हियरिंग योर टाइटल म्यूजिक फ्रॉम बोथ साइड्स चीज जो आती है ना लाइक एज अ मेकर ही मुझे कभी बना गो ना कि आप जैसे मैंने एक शो पॉपुलर शोज बनाए बिदाई 3-3 साल चले मैंने जिसके आप अप्रोच भी किया था शुक्र कुछ तो लोग कहेंगे आईटी के मेरे राजन राजन सतीश शाह को साइन करके जाएगा यार 110% अगला शो साइन से का काम चल रहा है आई थॉट आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ पॉपुलर टाइप ऑफ यू नो मासी काइंड ऑफ शोस तो एक मैंने धूप किनारे बहुत पॉपुलर पाकिस्तानी शो था तो मैंने उसके राइट्स खरीदे थे सो आई अडैप्टेड दैट इन इंडियन टेलीविजन तो मुझसे ले लेता इम्तिहान वही तो था पहले बता दी I would have saved a lot, sir. देखा गुरु गुरु यो। तो क्या हुआ सर वो बनाया मैंने एंड अगेन वेरी सेंसिटिव राइटर कमलेश पांडे जी उन्होंने पूरा स्टोरी स्क्रीन पे डायलॉग्स लिखा था वी आर वेरी गुड एक्टर आई विल इंटरप्ट हियर कमलेश पांडे पे आई विल इंटरप्ट हियर
is I यार उसको बोलने दो तो यार नहीं नहीं I just remember sir पूरा बोल दे नहीं नहीं अच्छा बोल दो नहीं वाह आप बोल दो आप बोल दो आप बोल दो अभी तो बोल दे अभी पंडे अभी तो बोल दे यार पूरा नहीं अच्छा बोल रहा हूँ मैं तो क्या था कि very good performers very good actors and everything though we missed the best performer there in that show but sir वो critically acclaimed show बहुत था मतलब with the urban audiences with the youth but we never went beyond 1.23 TRP at the same time a show like Amrit Manthan or Vidhya voting 5 TRP because they were to the masses whatever show ek saal mein band ho gaya sir so as a maker as a producer whatever the entire team we want to experiment with different shows or whatever but agar wo nahi chalenge and channels bhi experiment karte hain sir there was a channel sir ka beautiful show produced hua tha sorry sir I think it was a beautiful shows and I saw life okay ka first attempt so beautiful the whole genre the yeah. it was not a typical kind of a show bahut khoobsurti se laga always called sir कैप्टन ऑफ द शिप मैंने एज अ प्रोड्यूसर हैड द ऑनर टू वर्क विद सर उन्होंने एक 10 फिल्म बनाई थी मेरे स्टार प्लस की एंड आफ्टर द शो आई जस्ट मैसेज हिम सर यू द कैप्टन ऑफ द शिप इन्वॉल्व्ड इन एवरीथिंग सो कोशिश करते हैं ऐसे शोज बनाने की वॉट एवर बट वी डोंट गेट द काइंड ऑफ अ टीआरपी द मासी शोज वुड गेट लाइक अ ये रिश्ता वुड गेट अ 4 टीआरपी टुडे लाइक जस्ट व्हेन आई डायरेक्टेड जस्सी जस्सी नेवर गॉट द हाई टीआरपीज क्योंकि सास वाज 9 प्लस सो बट वी हैव टू इट्स अ बिजनेस फॉर अस आल्सो टू शेयर समथिंग व्हाट ही इज सेइंग स्टार वन नाम का एक चैनल आया था जिसमें फर्स्ट ईयर में हमको बुलाया था फ्लैगशिप यस सारा भाई कि हमें टीआरपीज नहीं चाहिए फॉर द फर्स्ट टाइम अ चैनल हेड वाज टेलिंग मी आई डिड अ सीरियल कॉल्ड होटल किंगस्टन हमें अच्छा शो अलग शो बना के दो तो फर्स्ट ईयर में हमें पता चला कि थोड़ा टीआरपी नहीं आ रही है कुछ एक दो शोज की आ रही है ज्यादा नहीं आ रही है सेकेंड ईयर में आई टुक ओवर अ शो कॉल्ड अरे यार मैं शो का नाम बोल रही मानसी वाला था इट वॉज बेसिकली ऑन जो गेटिंग ब्लैंक मानसी बारिक वाला शो था ना इंडिया कॉलिंग सॉरी सो कॉल सेंटर्स पे था कॉल सेंटर्स तो इट वॉज अ वेरी मॉडर्न शो वेरी मॉडर्न सब्जेक्ट और बहुत खुशी हुई मुझे कुछ अलग करने को मिल रहा है अब धीरे धीरे उसके रेटिंग इतने गिरने लगे कि उसके सर लास्ट 5 एपिसोड मेरे पास जब स्क्रिप्ट आई तब वो मंगलसूत्र फेंक रही थी और कोई त्रिशूल में पकड़ रहा था इट वेंट टू दैट सो इट वाज वेरी सैड पर एटलीस्ट चैनल का था ये ऑडियंस ने रिजेक्ट किया चैनल भी हिमाकत करते रहता है नहीं नहीं सतीश जी इसका क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ इसके इसके पीछे इफ यू गो टू सी व्हाट हैपेंड विद टेलीविजन वाज दे मेड राइटर्स द प्रोड्यूसर्स ऑल द चैनल्स दे मेड राइटर्स एक तो सबसे बड़ी इशू क्या है राइटर्स है नहीं सर सिनेमा के लिए भी नहीं है इंडिया में और टेलीविजन के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है हम लोगों के पास टाइम होता था जो मैं हमेशा उस दिन भी डिस्कस कर रहा था अशोक जी के साथ कि टेलीविजन राइटिंग और डायरेक्शन शुड बी अ कोर्स इन स्कूल्स यू मस्ट हैव पीपल लर्निंग टेलीविजन राइटिंग यू मस्ट हैव राइटिंग एज अ television writer we have introduced it in FTIN yeah, yeah. Yeah. they should because you need writers so what happened was I presume this is what has happened and what I have spoken to them writers ban gaye producers so there was this influx of the second tier and third tier of writers who did not know how to write and then the channels had a huge investment on their shows so that is when the channels took over they did not trust a lot of people and that is where the because TRPs were not showing a show and they're not still showing aisa nahi hai ki but with creative people like Rajan and Sapna and I'm sure Arvind tumse zyada sawal nahi poochte honge wo log they don't ask you a lot of questions because you're giving them what they want anyway I made the right decision by making directors producers I know many people yes, may not agree with me Kamlesh Pandey I was making a film called Jalwa we were casting Naseer in a top role so the producer was very adventurous Mr. Gulanand god bless his soul so he said I finalized 3-4 writers as I mera bhi ek writer hai so he said we'll give them a scene and immediately jo likhta hai we'll see how good he is Then he pointed to one guy. He said, "This guy has written 13 golden jubilees." So I said, "Isko le lo immediately." Yeah, bolta hai ne Marathi mein likha. I said, le lo, fantastic Marathi, acha lega hoga. Dada Kunke is writer. So he wrote the scene. Oh, he wrote for us also. Rajesh Mazumdar. So he wrote the scene. I said, "It's good, thoda loud hai, but there's another guy. Oh, Rajnish costumes to me aata, Mr. Kamlesh Pandey." I said, "What's he written? Nothing really." So likho, bhai. He wrote a fantastic scene. I said, "Dono ko combine karte hain." We took both of them. That was Kamlesh's big break. Then he met Subhash Ghai at my premiere. Then he wrote all the Subhash Ghai movies. Won a lot of Filmfare awards. Episode number 32, Karam Chand, we had Mud Island.
माय असिस्टेंट कम्स एंड सेज सर डायलॉग नहीं आया, पूरी कास्ट वहां पे कटती है. कमलेश को फोन किया, शूटिंग आ जाए क्या? लिटरली ही फॉरगॉट टू राइट द डायलॉग. ही सेड जस्ट सेंड टू अस सेंड समबडी. भेजा किसी को स्कूटर उटर पे कमलेश के घर जू वापस गया, तभी फोन वोन अपने ये थे नहीं. केम बैक एंड वी आर रीडिंग इट. चलो डायलॉग, अरे यार एक कैरेक्टर बढ़ गया. वी हैड चेंज्ड द स्क्रिप्ट फॉर द बेटर प्रोबेबली, बट देन वी हैड टू लास्ट मोमेंट टू डू दैट. आई टोल्ड हिम कमलेश जी आप पहले लिखा करो यार. एक्चुअली नाउ डू वी आर एक्सिंग टुवर्ड्स द टाइम. I will request if anybody from the anybody from the audience would like to share some questions towards the panel, you're most welcome. If anybody how's that Dedana, please. Sir, my name is Ashwini Singh Nagar. Sir, मैं सतीश सर से एक सवाल पूछना चाहता हूँ. आपने एक कैरेक्टर किया था मैं हूँ ना मैं, इट वॉज वेरी अमेजिंग कैरेक्टर. तो आई जस्ट वांट टू नो कि मतलब वो आपने कहाँ से लिया था सर? एक्चुअली बहुत मुझे कहीं से नहीं लिया था, मुझ पर थोपा गया था. और ये शाहरुख बड़ा शातिर आदमी है, बहुत खुराफाती दिमाग है उसका. उसने मुझे फ़ोन करके कहा सतीश भाई मेरी फिल्म में आपको रोल करना है, जो अक्सर मैं करता था. तो मैंने कहा क्या है? तो बोला सतीश भाई दो रोल है, एक तो प्रिंसिपल का रोल है और एक ये प्रोफेसर रसाई का रोल है जो जब बात करता है तो थूकता है. तो मैंने कहा ये बड़ा गलीज रोल है, मैं प्रोफेसर का करूँगा. तो फिर उसने मुझे चढ़ाया कि सतीश भाई प्रोफेसर का रोल तो आप 1000 कर चुके और 10 मुझे और मिल जाएंगे करने वाले, ये रोल आई कैन नॉट इमेजिन एनी बडी डूइंग इट. तो इस बात में मैं चढ़ गया और मुझे वो रोल स्वीकारना पड़ा. मगर फिर दिक्कत ये आ रही थी कि उनका कन्विक्शन इतना था और नाम भी रसई, रस से भरा हुआ. तो मैंने कहा इसके लिए कुछ करना पड़ेगा. तो वो ज़्यादातर जो आपने देखा वो मेरी मेहनत थी, इट वॉज नॉट सीजी. मैं ये करता था कि एक घूंट पानी का मुंह में लेकर और फिर डायलॉग बोलता था, और हो सके उतना उसे जैसे वॉइस थ्रो करते हैं ना वैसे मैं वो थूक थ्रो करता था. एंड दैट्स हाउ समहाउ मैनेज. एंड ऑफकोर्स हमारा जो डीओपी था वो गजब का था. अपना कौन वो इंस्टीट्यूट वाला यार? नहीं, इट वॉज अपना जिसने वो भी एनीवेज. तो वो उसने मणिकंडन तो उसने इस तरह की लाइटिंग भी की थी, वो एग्जैजरेट और बराबर आउटलाइन होता था, जैसे बहुत बाल वाले हीरो को बैकलाइट देते हैं ना उस तरह. मेरे ये जो द वाटर विच वॉज स्पाउटिंग आउट ऑफ माई, उसको एक किस्म का उन्होंने हाईलाइट करके वो बनाया. तो उसमें डीओपी का भी बहुत बड़ा हाथ है. इस तरह के वो कैरेक्टर किसी को देख के मैंने प्रिपेयर नहीं किया, ऐसे कैरेक्टर के आसपास में खड़ा भी ना रहूं. गुड इवनिंग सर, माय नेम इज कौशिकी राजवंश. नो विच सर, आई मीन सॉरी ऑल द पैनल मेंबर्स. ओके, एक्चुअली माय क्वेश्चन इज दैट वेब सीरीज इज trending too much nowadays. So what according to y'all feel that is it going to affect the television industry or not? I'll tell you something. I've been lucky enough to be a part of that as well. As you may have by now known that we did Sarabhai versus Sarabhai second season on this digital platform. Yes. So, this is what I've been convinced. I'm not totally convinced, but that's it. This is the media of the future. Because then you are not confined to the television set or certain timings or certain things like that. You can watch it on your your smartphone or in your laptop or whatever, you know, which is around. You can have it recorded and see it at your leisure and all those things. Now, I don't know how far it is true. These guys will put some light on that. But it is definitely there, and I'm happy that I've been a part of that also. Yeah. Rajan has started a digital company. Just 2 months back we launched a company called First Cut Productions, and we've already shot 2 series, and the first one we've already launched 3 weeks back. Okay. Yes, digital would be the medium of the future, but television will always have more growth if you go by the set data and everything. Yeah. But yes, digital is the medium of the future. Example deta hu, we were shooting around a year 6-7 months back somewhere in Banaras, aur wahan pe I think auto rickshaw wale the whatever. And he was watching the episodes on a phone. Mm. Okay. So now digital is going to go with Jio and everything. It's going to go really inroads. The whole kind of shows being made is also not going to be only urban centric. It's going to go really into the small markets and the rural and the small cities. But yes, digital is here to stay, and it's going to be a huge competition to television.
already gave a competition, right? Big time. In fact, the last 3 years, the television industry, we have not had the youth coming in at all. In fact, sir, everybody, we are part, we understand that, and we keep on talking to the broadcasters, and they are in a major panic sometimes because the youth has moved away from television, you know. And exactly, that is what we were told, you're right. Yeah. And because I was not very happy about this thing, that we have to, एक तो बड़े पर्दे से हम आगे टेलीविजन पे उस पर इतनी मेहनत करते हैं, अभी उससे भी छोटे पर्दे पे हमें ले जा रहे हैं, कोई बात हुई? मगर उन्होंने हमें इस तरह ही कन्विंस किया जैसे ये कह रहे हैं अभी कि यूथ यूथ वी नीड यूथ एंड योर शो इज सच द यूथ इज फॉलोइंग इट व्हिच इज अ फैक्ट एज वेल एंड सो वी डिड इट वी डिड वन सीजन एज एन एक्सपेरिमेंट ऑफ 10 एपिसोड्स नाउ लेट्स सी आगे क्या होता है आप लोग दुआ करें No, and I think in a lot of homes on Netflix, Amazon has become now, everybody's been watching this. Netflix has become. Yeah, everybody, I mean. See, they say Amazon is better than Netflix. It is going to stay. See, they've taken more than 35% of your viewership. Viewership, that's right. Every format is going to stay by its day. Like when the television came, people thought cinema will close. कौन जाएगा घर पे सिनेमा दिखता तो कौन जाएगा थिएटर में फ्री एंटरटेनमेंट है ये सिनेमा स्टेट कौन जाता है चार दोस्त ही जाते हैं ना बाद में तो पता चल जाता है बाद में इस तरह टेलीविजन जब वेब सीरीज आएगी टेलीविजन विल स्टे बाय रेडियो कहां मरा रेडियो नहीं मरा अमेजिंग टैलेंट कमिंग यू नो यू सी सम ऑफ दीज यंग बॉयज एंड गर्ल्स सी द काइंड ऑफ फिनोमिनल हिट्स दे हैव बिकम बट People have a fallacy, they think कि digital है तो बहुत पैसा आ जाएगा ऐसा नहीं है नहीं मुझसे पूछो ऐसा कुछ नहीं but it's a slow process even when you make content for digital it's a very slow process to make you know, money market revenue. Is yet to develop yeah it's going to be a very slow market process is yet to develop by itself next hi नरेंद्र मुधोलकर मैं मराठी टेलीविजन से रिलेटेड था यानी बहुत कुछ मराठी चैनल में भी था जो चैनल और प्रोड्यूसर डायरेक्टर का जो अभी मैंने सुना है उसके बारे में भी मैं कहना चाहता हूँ पहले जो टेलीविजन की सीरियल यहाँ पर मुझे अभी दो ग्रुप दिख रहे हैं एक बहुत जब मैं बहुत छोटा था तब के टेलीविजन बनाने वाले वो ये लोग हैं हाँ ये लोग और ये एक नया लोग तो इन लोगों ने खुद को ढा लिया है चैनल वालों के साथ इसका मतलब इन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है कि चैनल ये कर जाए इसलिए करना है इनमें वो ताकत है कि वो चैनल वालों को बोलते हैं कि नहीं ये देखो और इसका रेटिंग आएगा और रेटिंग जो होता है ना रेटिंग पे ही चैनल डिपेंड होता है और चैनल पे ये सीरियल डिपेंड होती है और प्रोड्यूसर पे पूरा यूनिट डिपेंड होता है इसलिए हमको चैनल के साथ भी जब चलना होता है तो मैं सर लोगों से पूछना चाहता हूँ आपके वक्त इतना फ्री था आपने जो जो कुछ बनाया है तो अगर राजन जी जो जैसे एक असिस्टेंट आपने क्रिएट किया है नए पीढ़ी के लिए और एक 5-6 लोग आप कर देते थे ना सर तो आजकल चैनल को भी नाम देने की कोई जरूरत नहीं होती थी इन्होंने इनको क्रिएट किया अब ये 3-4 क्रिएट कर रहे हैं ये आपने राजन जी को बोला मेरे को बोला और वो लेगेसी ऑन है अभी मैं आपको बताऊं रमन जी के असिस्टेंट्स कौन कौन थे आज फिल्म इंडस्ट्री के टॉप डायरेक्टर्स हैं अनुभव अनुराग बासू आनंद राय ऐसे लाइन से राकेश सारंग ये सारे रमन जी ने क्रिएट किए हुए डायरेक्टर्स हैं सर आज के डिजाइन पंकज पंकज अपने गिना दे अनुभव सेना फारहान अख्तर संजय गुप्ता सतीश कौशिक पिछले 12-18 देखो क्या होता है जब अलकायदा होस्टेज बनाती है ना दो किस्म के होते हैं होस्टेज एक डर जाते हैं और एक अडॉप्ट कर जाते हैं ये अडॉप्ट कर गए अलकायदा को पर मैं अपने गुरु के बारे में कुछ बोलना चाहूंगा अभी बात दूसरी हो रही है मेरे गुरु हैं लेक टंडन साहब और मैं
एक मेरी खराब मोटरसाइकिल थी इसलिए मैं डायरेक्शन में आ गया, ये बड़ा सौभाग्य है मेरा। मैं प्रोडक्शन में था, मोटरसाइकिल धक्का स्टार्ट होती थी, सामान लगाने भेजते थे, लेने के लिए देर हो जाती थी, और मैंने बोला कि मैं आलसी आदमी नहीं हूँ, मेरी मोटरसाइकिल साथ नहीं देती, मुझे कोई ऐसा काम दे दो जिसमें जाना ना पड़े। तो बोले डायरेक्शन में करोगे? मैं उसमें कहीं जाना तो नहीं पड़ेगा? बोले कुछ नहीं, लिखना पड़ेगा वो। मैं कहा बहुत बढ़िया भाई, ऐसा काम दे। सीरियल था वो, सीरियल था सर दिल दरिया। अच्छा, दिल दरिया सीरियल में। और बाय द वे एक असिस्टेंट की जगह खाली हुई थी, और लेक जी को लग रहा था कि वहाँ पे कोई लड़की असिस्टेंट आएगी, और मैं आ गया। तो तीन महीने तक मेरी गुड मॉर्निंग का जवाब लेक जी ने नहीं दिया। मैं कह रहा हूँ गुड मॉर्निंग सर, वो उधर को मुँह कर लें, पर गुरु गुरु हैं। तो उनके जो एसोसिएट थे नागी साहब, मैं मुझे क्लैप की जिम्मेदारी दी हुई थी सर, तो मुझे क्लैप का नहीं मालूम था कि कैसे देते हैं। तो वीरू भाई एक मथुरा के हमारे एक्टर वीरेंद्र सक्सेना, मैं वो भैया जी के दोस्त थे, मैंने कहा वीरू भाई क्या करना? बोले कुछ नहीं करना यार, इस पर नंबर लिख के बताएंगे, वो जैसे लाइट जलेगी तू कैमरे के सामने खड़े हो जाना। मैं कहा ठीक है। तो मुझे उस टाइम ये नहीं मालूम था कि एक शॉट में 15 लाइटें लगती हैं, तो मैं एक कोई बैकग्राउंड में लाइट जली, मैं आ गया उधर। तो एक कैमरा मैन साहब थे राजेश भाटिया दूरदर्शन के, और उस टाइम मैं यूनिवर्सिटी का इलेक्शन लड़ा था 2 साल पहले, मेरे ऊपर 7 केस चल रहे थे सर, और मैं ऊंची जवान में मैं किसी की बात सुनता नहीं था, और वो कैमरा मैन साहब ने बहुत बहुत वजन वाली गालियाँ दी, और बोले ऐसे ऐसे खड़े कर देते हैं इनको, ट्रेनिंग स्कूल किया हुआ है, ये हुआ है। तो मेरा पहला मन आया कि भाटिया साहब बाहर निकलो आज पैकेट। दूसरी बार मेरे को वो उस क्षण का मैं सम्मान करता हूँ, और मैं जो कुछ हूँ उस क्षण की वजह से हूँ। मुझे समझ में आई ये बात कि भाटिया साहब ने गाली इसलिए दी है कि मुझे काम नहीं आता, और वो एक 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 उनकी गाली ने मुझे बना दिया। और उस सीरियल के 9वें एपिसोड में मैं चीफ असिस्टेंट था सर दिल दरिया में, और लेक जी ने भी मुझे आज तक मेरे साथ में, बॉम्बे लेक जी की वजह से आया, और उनसे तो क्या सीखा वो शब्दों में बताना मुश्किल है। उसी भाटिया की वजह से आप चैनल झेल रहे हो आज, क्योंकि आपको पकड़ कंट्रोल करना है, भाटिया नहीं मिला। आपकी बात सुनकर लग रहा है हमको भाटिया मिल जाता है, हम भी डेली शूट कर रहे हैं। नहीं बट अशोक जी लेक जी के बारे में बोल रहे हैं, इसकी भी इंसिडेंट है ना, बिकॉज लेक जी ने मेरे एक शो बहुत खूबसूरत डेवलप किया था लाइफ ओके कॉल अमृत मंथन, और अभी 3 महीने पहले भी ही जो इज सिटिंग एंड ही इज डेवलपिंग अ शो फॉर मी। सो टिल नाउ क्या आई मीन ही इज एज अ बिग डायरेक्टर, ही इज डेवलपिंग अ वेरी बिग शो फॉर मी राइट नाउ, बट वही उन पे जज्बा है। सुबह फोन करते मैंने ये लिख दिया, मैं भेज रहा हूँ। लेक टंडन रियली डिजर्व द क्लैप। उन्होंने 3 महीने मेरी गुड मॉर्निंग का जवाब नहीं दिया, लेकिन आज मैं उनके बेटे जैसा हूँ, और बेटे के बराबर प्यार करते हैं मुझे, और वो मेरे घर का हिस्सा हैं, और मैं उनके घर का हिस्सा हूँ। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। सर लुक एट आई जस्ट लुक एट इट, मैंने उनको बताया सर मुझे सब्जेक्ट में बनाना। नेक्स्ट मॉर्निंग देयर वर 10 फिल्म्स व्हिच हैव बीन मेड ऑन दैट, इंटरनेशनल फिल्म में कौन सी है, नेक्स्ट मॉर्निंग इंटायर डॉक्यूमेंट वॉज देयर, एंड ही इज अमेजिंग विद एप्स सर, यू शुड सी हाउ ही हैंडल्स एप्स एंड ऑल राइट नाउ। और ऑफिस आते, मैं बोलता हूँ सर मैं आता हूँ ना घर पे थाने पे, नहीं मैं ऑफिस आऊँगा, बैठते 3-4 घंटे, टॉक्स टू ऑल द यंगस्टर्स डायरेक्टर्स वॉट एवर नॉल, बट हैट्स ऑफ रियली हैट्स ऑफ। लास्ट क्वेश्चन प्लीज। सर मेरा नाम मनीष प्रभाकर है, आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि डेली सोप्स एक्चुअली हम लोग बहुत ज़्यादा ड्रैग करते हैं, हम एक फाइनाइट सीरीज क्यों नहीं बनाते जैसे जिंग पे, जिंदगी पे पाकिस्तान के शोज आते हैं। क्यों पेट पे लात मार रहा है यार? हम लोग देख रहे हैं बहुत सालों से वही एक्टर्स, वही चीजें, बहुत ही वाइट चीजें। इसका जवाब इसका मैं देता हूँ, मैं देता हूँ। सी लिसन, आज सारे वेरिएशन हैं, आपको जो देखना है आपको मिल जाएगा। आप 500 रुपए दीजिए अमेज़न को, सब कुछ है वहाँ पे। करेक्ट। नहीं जिंदगी के बारे में ना सर मैं बोलूंगी, ये जो कहते हैं जिंदगी पे आज जो शो है, आप लोग बहुत पहले बना चुके हैं, वो देखिए। क्यों जिंदगी देख रहे हैं वो देखिए ना, जो इंडिया में शो है। क्या है सर, लॉन्ग रनिंग शो के बारे में क्रिटिसिज्म अक्सर होता है। जब मैं एक जोक सुनाता हूँ इस लोग लॉन्ग रनिंग सीरियल के, होता ये है कि अक्सर ये होता है कि TRP कम हो तो शो बंद हो, और शो अपना शो जब चल रहा है, जब TRP आ रही है तो इस समय शो देख रहे हैं तो कम क्यों। तो तारा जब 4-5 साल चला था, उस दिन उन दिनों कोई शो चलते नहीं थे ना, द फर्स्ट शो था, तो मुझे जो भी मिलता था यार ये कब तक चलेगा, यार ये कब तक चलेगा, इसको अपना शो क्या पीक भी हो बंद हो जाए। तो मैं कहा तुम 60 साल की उम्र मर क्यों नहीं जाते, तुम क्यों 90 साल जीना जाते हो,
ये शो तो एक प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर थे, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, तुमने नाम ले लिया वैसे बोले लगा ना। आप तो विसिल ब्लोअर बन गए सर। तो उन्होंने रमन जी को कहा कि यार रमन जी थोड़ा ड्रैग कर रहा है, आज उन्हीं की गंदी पिक्चर देख के हम, बहुत गंदी पिक्चर देख के ट्रायल देख के हम निकले। तो उन्होंने कहा रमन जी आपको नहीं लग रहा तारा ड्रैग कर रहा है? अच्छा उसको ये फीलिंग थी शायद वो मुगले आजम बना के निकला है। तो रमन जी ने कहा यार ये तो 5वां साल है तेरे से, तो 1.5 घंटे के बाद ड्रैग हुई है तेरी पिक्चर। और दूसरा क्योंकि रमन जी के पीछे ही पड़े होते थे ना, एक ने कहा रमन जी कितना बोर कर रहे हो, तो बोला क्यों रिमोट वाला नहीं है तुम्हारे घर टीवी? ये जो क्वेश्चन है ना, बिकॉज ये मैं बहुत सुनता हूँ, आई थिंक इसका सीरियस आंसर भी क्या होना चाहिए, यू शुड नो दैट। सी आज टेलीविजन में क्या, वी ऑल आर अवेयर कि शोज आर टेकिंग 1-1, 2-2 ईयर्स टू मेक एंड देन कम ऑन एयर, और शोज 2-2 महीने में बंद हो रहे हैं। आप अक्रॉस ऑल चैनल्स योर व्यूअर्स कैन मेक आउट एक शो कब स्टार्ट होता है, बंद होता है, पता ही नहीं चलता। एंड ब्रॉडकास्टर्स हमसे एक एक साल, 1.5 साल मेहनत करवाते हैं शो पे। तो अगर एक शो चल रहा है, उसकी TRP आ रही है, वर्कर्स को काम मिल रहा है, पीपल आर लाइकिंग इट, यू माइट नॉट लाइक दैट शो बट देयर इज अ TRP टू दैट, सो व्हाई टू विश दैट शो शट्स? आई थिंक यू मीन इन स्पाइट ऑफ TRP द शो शट? नो नो, द एज़ द TRP इज कमिंग, तो व्हाई शुड वी शट द शो? TRP आ रही है शो की, तो क्यों बंद कर रहे हो उसको? ऑडियंस है ना, मैं ये पूछ रहा हूं कि TRP अगर आ रही है तो भी शो बंद हो जाते हैं? नहीं 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 होते, वैसा कभी नहीं होगा। मैंने एक बार किया है, होगा भी नहीं, बिदाई 4 TRP में बंद किया था। एनीवे वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, मैनेजर थैंक यू, माय सेक्रेटरी ऑफ द एफटीआईएस इज शोइंग हिज हैंड्स, कीप खत्म करो। Thanks for this entire session today. It's the first time it has happened in the history, as I said, in the television history or any association. Okay, we are really thankful to Manjul, Ramanji, Ravi Rai, Pankaj, Kundan Saab, the master, Satish, Rajan Shahi, Swapna and Arvind Babbalji for sparing your valuable time today. And today with these all masters today, with the permission of my EC, the Association of IFTDA, yesterday we were discussing, Ashwini Agam, that IFTDA is going to announce, today we are making a basic announcement of organizing, of announcing its own television awards. Yay! IFTDA, super! IFTDA will meet this idea of television awards, because I think with all the directors, all the producers of the industry, when they will announce, when they will work towards an award, I think that will be the real, tributes to the great masters and makers of television of different faculty, whether it's a cameraman or art director or a producer or whosoever it is. Let television grow the way it is growing. Wish you all the best, and let us enjoy. And once again, thank you for being with us today. And you, lovely audience. बट ऑल्सो वन मोर थिंग कि हम सारे जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, और आई डोंट नो हाउ मेनी मास्टर क्लासेस अशोक अश्विनी जी हैव डन, अ सीरीज ऑफ मास्टर क्लासेस विद द बेस्ट ऑफ पीपल, फ्रॉम यू नो फ्रॉम मणिरत्नम टू महेश भट्ट टू ऑल, दे हैव टेकन IFTDA टू अ लेवल वेयर यू नो, एंड आई हैव at very close counters seen Kuku ji, Ashok ji, Ashwini ji working 24/7. It is not on the text, but physically they are there whenever you need them. They are there. So we are more thankful to you, Ashok, for bringing IFTDA to where it is today. Thank you so much. I just want to say one last thing. We said हमारे ज़माने में ये उनका weekly daily कर रहे हैं. I just want to say one thing, picture अभी बाकी है मेरे दोस्त. Yeah.
थैंक यू. लॉट ऑफ टैलेंटेड राइटर्स. कुमुद चौधरी जी, थैंक्स फॉर कमिंग फॉर दिस शो टुडे. माय फ्रेंड्स भरत, मेहुल साहब, मुन्ना भाई, बबू मेहरा, हु इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ टेलीविजन बाय चैनल. हमारे चैनल बबू मेहरा है. बबू मेहरा इज विद अस. बहुत बड़ी बात है राशिका, इनके घर में, इनके दफ्तर में एक ऐसा स्टूडियो जो है, चाय भी मिलती है, खाना भी मिलता है, प्यार भी मिलता है, सब कुछ भी मिलता है. जो प्रोड्यूसर इसके पास जाता है वो वापस कहीं और जाता है, वो उधर ही जाके सेटल हो जाता है. बिस्तर भी है, घर भी है, सब कुछ. थैंक यू बाबू जी. आप थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.